उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एवं शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर द्वारा आयोजित इस वेबिनार में, जो कि हमारी शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलू उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर विचार करने का एक मंच प्रदान कर रहा है, मैं डॉक्टर सपना कास्तिवाल आप सभी का इस वर्चुअल मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सरस्वती माँ सरस्वती की वंदना एवं पूजन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आले सलावत सर एवं सभी वरिष्ठ प्राध्यापक गण को कि वे माँ सरस्वती के पूजन से प्रोग्राम की शुरुआत करें और प्रोग्राम को सफल होने की मंगल कामना करें। मुझे आंदा सर, आई थिंक इज देयर एनी इश्यू? माँ सरस्वती के पूजन वंदन के पश्चात मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एल एस अलावा सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों, वक्ताओं, आदरणीय एडी मैम एवं प्रतिभागियों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर एल एस अलावा सर। Requesting Professor Alice Alaba, Principal Sir, to join. प्रोफेसर एल एस अलावा ज्वाइन कर रहे हैं, इतने जन जुड़े सर अभी चालू सर आवाज श्री राजन सूरी शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर राजगढ़ आज 23 अगस्त 2023 का राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर से डॉक्टर किरण बाला सलूजा, उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव का इस वेबिनार में शामिल होने के लिए उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच स्पीकर के रूप में उपस्थित डॉक्टर पार्थ रविकांत भट्ट का भी इस वेबिनार में स्वागत। डॉक्टर विकास शर्मा भी हमारे बीच उपस्थित होंगे स्पीकर के रूप में, उनका भी अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच जज के रूप में उपस्थित है आर एन झा सर, उनका भी स्वागत। साथ ही हमारे बीच एस टैगोर सर जज के रूप में उपस्थित होंगे, उनका भी अभिनंदन स्वागत। हमारे महाविद्यालय का समस्त स्टाफ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। साथ ही
इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले जो कि क्या पेपर अपने अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे उनका भी स्वागत, जो विद्यार्थी है उनका भी अभिनंदन स्वागत। इस कार्यक्रम को सफल जो में मेहनत की है डॉक्टर डीएस मुजालदा, डॉक्टर सपना काश्नीवाल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके आशीर्वचनों से हमें हमेशा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग आदरणीय डॉक्टर किरण बाला सलूजा मैडम जुड़ी हुई है। मैं मैडम से निवेदन करूंगी कि वे महाविद्यालय टीम और आयोजक टीम के उत्साहवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर किरण बाला सलूजा मैम, सभी को नमस्कार। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे प्रमुख वक्तागण और समस्त प्रतिभागी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से करती हूँ। और सरदारपुर कॉलेज ने जो उच्च नवीन हमारी शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा पर आयोजित वेबिनार में जो आयोजित किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए आपने सेमिनार आयोजित किया है, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जो चुनौतियां आ रही हमको उनका कोई हल हमको इस वेबिनार के माध्यम से मिलेगा और हम सबके लिए ये वेबिनार बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और पुनः आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। निश्चित तौर पे वेबिनार में जो भी हमें सजेशंस मिलेंगे उनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से उच्च शिक्षा को बेहतर तरीके से लागू हमारे महाविद्यालय में कर पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज महाविद्यालय के अब समय है महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र मल्लोई सर से आशीर्वचन लेने का, तो मैं सर से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर श्री धर्मेंद्र मल्लोई सर, इसमें ले लो मुजालदा सर, सर हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डीएस मुजालदा सर से निवेदन करूंगी कि वे एक बार सर से कॉन्टैक्ट कर लें। सर लगा और तब तक कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए, सर जैसे ही आएंगे हमारे बीच जुड़ जाएंगे, मैं कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर सरिता जैन से निवेदन करूंगी कि वे महाविद्यालय के बारे में परिचय देकर हमारे प्रतिभागियों हमारे अतिथियों को अवगत कराए और हम सभी को अनुग्रहित करें अपने आशीर्वचनों से। प्रोफेसर सरिता जैन मैम, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है जो कि उच्च शिक्षा विभाग से प्रायोजित है। इस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव जोड़ेंगे, अतिरिक्त संचालक मैडम किरण बाला सलूजा, हमारे प्राचार्य महोदय, जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय और सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और पूरे स्टाफ का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा महाविद्यालय तीर्थों की नगरी राजगढ़ में माही के सुरम्य तट पर स्थित है। इसके एक ओर भोपा और महातीर्थ और दूसरी ओर मोहनकड़ा महातीर्थ उपस्थित है।
26 अक्टूबर 1987 को महाविद्यालय की स्थापना हुई है और तभी से यह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रारंभ में हमारे महाविद्यालय में केवल 4 कमरे थे, वो भी स्कूल के थे, लेकिन उसके बाद हमारी बिल्डिंग बन गई और अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हमें एड मिली थी, क्योंकि 200 महाविद्यालय में हमारा महाविद्यालय भी शामिल है, उस नवीन बिल्डिंग बनी है जिसका अभी हाल ही में 10 जुलाई को माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान ने इनॉग्रेशन किया है। हमारे यहाँ आज दोनों बिल्डिंग मिलाकर 31 कमरे हैं और पर्याप्त सुविधाएं हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एड मिली उसमें 3 स्मार्ट रूम भी बने हैं, पूरा फर्नीचर हमारे यहाँ आ गया है। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत होनहार हैं। पहले हमारे यहाँ केवल बीए की क्लासेस थी, उसके बाद बीए, बीकॉम, बीएससी और उसके बाद एमए इतिहास में शुरू किया गया है। जो विद्यार्थी हैं वो जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी कोई विधायक है तो कोई पार्षद है, कोई वकील है, नोटरी है, जज है और बहुत से उच्च पदों पर स्थित है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरह से हमारा महाविद्यालय बहुत ही आगे जाए और यहाँ के बच्चे उच्च स्तर पर पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं वाणिज्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आर के जैन से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। हाँ लिंक दिए, लिंक खोल लो। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने माइक्स म्यूट कर ले प्लीज। श्री मोहन खेड़ा तीर्थ एवं श्री भोपावर तीर्थ के नजदीक श्री राजेंद्र शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर राजगढ़ में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एवं श्री राजेंद्र शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर राजगढ़ द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में इस महाविद्यालय में आज वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी माननीय श्री मोहन यादव जी से मेरी सुबह चर्चा हुई थी। उन्होंने भी मुझे वेबिनार में सभी पार्टिसिपेंट को शुभ संदेश, शुभकामना देते हुए कहा कि मैं भी जुड़ने का प्रयास करूंगा और उच्च शिक्षा के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सबसे पहले पूरे देश के अंदर नई उच्च शिक्षा नीति लागू की गई है, उस संबंध में भी उनकी ओर से सभी को शुभ संदेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे अतिरिक्त संचालक डॉक्टर श्रीमती किरण सरूजा मैडम एवं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई श्री धर्मेंद्र जी मंडलोई, जो कि इस महाविद्यालय से अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 जुलाई को लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था, उनका महत्वपूर्ण योगदान इस कॉलेज के लिए रहा है। मैं महाविद्यालय की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पार्थ भट्ट एवं प्रोफेसर विकास शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ हमारे आज के इस वेबिनार में संयोजक डॉक्टर सपना कासलीवाल और सह संयोजक डॉक्टर मुजाल्दा जी, जिन्होंने अथक प्रयास से इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए एक महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ कई पार्टिसिपेंट
और कई विद्यार्थी इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में रिसर्च पेपर के माध्यम से लाभान्वित होंगे। मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। प्रोफेसर आर के जैन वाणिज्य विभाग अध्यक्ष सदस्य वाणिज्य अध्ययन मंडल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। प्रयास होगा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी आपके साथ में बीच में जुड़ जाएंगे और निश्चित ही आपको शुभ संदेश देंगे। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स पर्सन की तरफ। आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में आधारित परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सफल और विकसित राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। भारत की नई शिक्षा नीति देश में रोजगार परक शिक्षा को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रटकर पढ़ने की संस्कृति से बच्चों को छुटकारा मिलेगा, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। एनईपी 2020 न केवल हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास है, बल्कि यह हमारे विद्यार्थियों को एक नई सोच और सिद्धांत की दिशा में आगे बढ़ाने की भी कोशिश है। एनईपी 2030 के माध्यम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा में परिवर्तन किया गया है, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की गई है। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने और मौलिक परिवर्तन करने का लक्ष्य रखती है। यह शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को संरक्षित, सामर्थ्य वर्धनशील, समर्पित और न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। आज आयोजित इस वेबिनार के माध्यम से हम इस नीति को और बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम हमारे आज के वेबिनार के विषय विशेषज्ञों के पास चलते हैं। यह वर्चुअल मंच उन्हें सौंपते हैं। तो हमारे पहले रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर पार्थ रश्मिकांत भट्ट सर। सर के इंट्रोडक्शन के लिए मैं महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रंजना पाटीदार मैम से निवेदन करूंगी कि वे सर के इंट्रोडक्शन से हम सभी को सर से हमें इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बाद ये मंच सर को सौंपे। डॉक्टर रंजना पाटीदार मैडम। सो सॉरी प्रोफेसर सुरेंद्र रावत से निवेदन है कि वे सर के इंट्रोडक्शन से हमें सभी को परिचित करावे। प्रोफेसर सुरेंद्र रावत सर। हेलो, आर यू हियर मी? यस सर, यू आर ऑडिबल इनफ। ओके, सभी को नमस्कार। सभी मैं प्रोफेसर सुरेंद्र रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही मुझे एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है जिसमें डॉक्टर पार्थ सर का इंट्रो देना है, तो लेट स्टार्ट। डॉक्टर पार्थ रश्मिकांत भट्ट, वेल नोन प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, ऑथर, फिलेंथ्रोपिक सोल एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। ही हैज बीन डीपली इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस, म्यूजिक एंड एनवायरमेंट सिंस हिज कॉलेज डे टाइम्स एंड आल्सो एक्टिव till date. A good teacher teaches from book, but a great teacher teaches from heart. Dr. Parth is undoubtedly a good teacher since he has done his PhD on the subject accountancy and commerce. He has cleared UGC NET commerce exam for 4 times and UGC NET JRF as well as Gujarat TET exam 2x. Because of his continuous strive toward improvement, he has also studied till Inter CA, ICAI, and that he has made his accountancy route very strong and enriched. Dr. Parth has taught and assist around 7,000 students and professors in various exams like
UGC NET, JRF and Gujarat SET exam. He is philanthropic in philanthropic soul in true sense, because he does not charge a single penny on for his valuable guidance. He also authorized various books on the subject like corporate finance reporting, strategic management, financial market, international business environment, and marketing management for Sabsadhana Prakashan. He also write syllabus for Baba Saheb Ambedkar Open University for the various subject of commerce field. He has present various course, various research papers on the subject of accountancy and commerce, and attend workshop of many universities and eminent organization national wide. Dr. Path is definitely wonderful teacher. May Goddess Saraswati bless him internally. Thank you. Thank you so much, sir. हमारे साथ हमारे स्पीकर डॉक्टर पार्थ रश्मिकांत सर भट्ट जुड़ चुके हैं. मैं सर से अब ये वर्चुअल मंच में सर को सौंपती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लेक्चर से हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा. डॉक्टर पार्थ रश्मिकांत भट्ट सर, वी वेलकम यू सर. जी नमस्कार. क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल एनफ. जी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दृश्य भी हूँ और श्राव्य भी हूँ, क्योंकि आभासी माध्यम में काफी बार दृश्य और श्राव्य दोनों होना ये अपने आप में बड़ा एक सौभाग्य होता है. तो सभी से मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम. मैं गुजरात से हूँ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छी हिंदी बोल पाऊँ, क्योंकि गुजरात के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अच्छी हिंदी बोल पालना, और वो भी ऐसे प्रदेश के अध्यापकों के सामने जिसको हम मध्य कौशल प्रांत के नाम से जानते हैं, और उनकी हिंदी काफ़ी शुद्ध और काफ़ी स्वच्छ हिंदी होती है. तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में कि मैं अच्छी हिंदी बोल पाऊँ. श्री राजेंद्र सूरी शासकीय महाविद्यालय और उनके प्रधान आचार्य और मध्य प्रदेश प्रशासन के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं. और अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तन और मन से शिव को याद करके आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा विषय दिया गया है कि उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे क्रियान्वयन में लाया जाए, उस विषय को मैं आने वाले 35-40 मिनट में अपने आप से जस्टिफाई करने का एक छोटा सा एक विनम्र प्रयास करूंगा. यहाँ जुड़े ज्यादातर जो प्रतिभागी है उनकी आयु, उनका अनुभव मुझे लगता है कि मेरे से काफी ज्यादा है. और जैसा कि मैंने अभी पिछले 15-20 मिनट में सुना कि इस विद्यालय का जो स्थापना वर्ष है वो 1987 है, और मेरा जो बर्थ ईयर है वो है 1989. तो मेरे बर्थ ईयर से पहले का ये विद्यालय है. और जैसा कि मैंने सुना मैडम ने पूरा परिचय दिया इस विद्यालय का, तो एक अच्छा शासकीय महाविद्यालय क्या होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में मैंने सुना. और वर्ल्ड बैंक के तरफ से भी एड यानी कि अनुदान प्राप्त हुआ है, तो ये भी मैंने सुना. तो NEP जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 साल बाद हमको मिला, उसका सबसे बड़ा और सबसे अहम जो पहलू है वो यही है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो विद्यार्थी जो छात्र छात्राएं आते हैं उनको सबसे पहले हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए. एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हम जब कॉलोनियल माइंडसेट से हटके थोड़ा बहुत हमारी प्रकृति या फिर हमारे माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखते हैं, हम हमारे पुरातत्व जो दस्तावेज है उनको हम जरा तराशते हैं, उनको हम जब पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ का जो ज्ञान परंपरा था, हमारे यहाँ का जो शिक्षा का प्रणाली था, उसमें काफी सालों पहले गुरुकुल हुआ करते थे. भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्टडी है, बहुत अच्छा स्टडी है, तकरीबन
18वीं सदी तक हमारे देश में गुरुकुल पाए जाते थे, उसका आंकड़ा भी है। और वो गुरुकुल ऐसे होते थे कि जहां पर ज्ञाति और जाति को नहीं देखा जाता था, वहां पर सभी ज्ञाति और सभी जाति के छात्र पढ़ने आते थे और अपनी पढ़ाई का काम करते थे। और वहां पर न केवल विषयों को पढ़ा जाता था, वहां पर 64 कलाएं को पढ़ाया जाता था और लोग पढ़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अपना खुद का स्टेटिस्टिक्स है, और उस स्टेटिस्टिक्स को वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है। आज जब हम 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, काफी बार उसको नई शिक्षा नीति भी बोला जाता है, लेकिन मैं हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलता हूं, क्योंकि पिछली जो भी शिक्षा नीति आई उसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते थे, उसको हम नई शिक्षा नीति के नाम से जानते थे। लेकिन ये शिक्षा नीति को आप कोई भी भाषा में तराशोगे, आप कोई भी भाषा में उसको पढ़ोगे, तो उसका जो टाइटल, उसका जो शीर्षक दिया हुआ है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के द्वारा तैयार की गई शिक्षा नीति। मैं शिक्षा नीति के साथ बहुत ही इनिशियल फेज से जुड़ा हुआ हूं। मुझे आज भी याद है कि 2014-15 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट पहली बार आया, तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो काम था शिक्षा में कुछ नवाचार, शिक्षा में कुछ ऐसी नीति को लाया जाए जिससे आने वाले भारत की नियति जो है वो हम बदल पाए। तो 2014 में जब पहली बार तब के मिनिस्टर मिनिस्ट्री में जो थे वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी थे, इस शिक्षा नीति के बनने में और इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में 4 अलग अलग मिनिस्टर हमने देखे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हमने एक और चीज भी देखी कि हमारा जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसको हम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से हम जानते थे, वो नाम बदल के सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये क्यों किया गया? सिर्फ नाम नहीं बदला, नाम के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो विमर्श है, एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव है, उसको भी कहीं ना कहीं बदला गया। जैसा कि हमें सबको पता है कि लॉर्ड मैकोले आके गए और हम सब लॉर्ड मैकोले के मानस पुत्र है, क्योंकि हम सब वही शिक्षा प्राप्त करके अभी हमारे विद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं अपने आप को और आप सभी को लॉर्ड मैकोले का मानस पुत्र मानता हूं। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर हम स्कूली शिक्षा पास करके फिर जब हायर एजुकेशन पास करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ज्यादातर हमारी मेंटालिटी, हमारी जो विचार प्रणाली है, उसको उस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग हिस्सों में बट जाए। आप सभी को ये मैकोले वाला जो इतिहास है वो सभी को पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफी बार सुना है। मैं ये मानता हूं, और मैंने अपने विद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में और गुजरात के काफी सारे विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ के कुछ ऐसे प्रयास, कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि किसी भी देश की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अगर कोई दे सकता है तो वो शिक्षा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और इसीलिए अगर किसी भी देश के बेस में अगर हम देखें किसी भी देश की जो समस्याओं को अगर हम समाधान के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बाबत है वो है उस देश की शिक्षा और उस देश की शिक्षा प्रणाली। 2020 में ये नीति लागू हुई, हम 2023 में हैं। जैसा कि हमें सबको पता है कि ये शिक्षा नीति को लागू करने में
काफी प्रयास लगते हैं, काफी चिंतन मनन का ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है जिसको हम सुबह उठ के एक रात में एक दिन में बदल पाएंगे। इसके लिए हमें निरंतर हमारे प्रयास करने पड़ेंगे। अब ये प्रयास किस तरह से होना चाहिए, तो मैं कुछ मेरे अपने अनुभव को आपके समक्ष रखूंगा। मैं भी आप सभी की तरह अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा पहला जो अपॉइंटमेंट था वो एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में था, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गुजरात और भारत के बहुत ही अच्छे और जाने माने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जिसको निर्मा यूनिवर्सिटी के नाम से लोग जानते हैं। और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम मैंने क्लियर किया और पिछले 5 सालों से मैं गुजरात शिक्षण सेवा वर्ग 2 में अकाउंटेंसी विषय के मददनीश प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो इन सारे 10-12 सालों के मेरे अनुभव से मुझे इतना पता चला कि अगर हमें उच्च शिक्षा में काम करना है तो हमें हमारी जो शिक्षा है, हमें हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो डिग्रियां है, उनको कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारु जीवन, हमारा निजी जीवन, हमारा जो रूटीन है उसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप। आज भी हमें पता है, और ये भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टेटिस्टिक है कि 35% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज स्टिल अनएम्प्लॉयड। 35% जो हमारा युवा है, युवा धन है, वो आज भी अनएम्प्लॉयड है। और ये आंकड़ा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का दिया, इससे एक और आंकड़ा जो है वो तो इससे भी ज्यादा भयानक है कि इससे भी ज्यादा प्रतिशत लोग अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि उनको अपनी डिग्रियां लेने के बाद अपनी डिग्रियों वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। अब ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि हमारे यहां पर, जैसा कि हमने बताया कि हम बीकॉम करते हैं, हम बीए करते हैं, हम बीएससी करते हैं, बीबीए करते हैं, सभी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई हमारी मार्कशीट तक ही सीमित रह जाती है। हम अच्छे नंबर लेके आते हैं, अच्छी डिग्रियां मिलती है, अच्छी डिग्रियां प्राप्त होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जब ज्ञान की बात आती है, उसमें जब कौशल्य की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो हमने हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले की मैं बात कर रहा हूं, शिक्षा नीति में तो ये चीज भलीभांति बताई हुई है कि आप ऐसा करो। तो हमने क्या किया कि हम हर साल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स चलते हैं, जैसे कि एक इनिशिएटिव है रूसा, आपके यहां पर भी रूसा से सब परिचित होंगे। इसी तरह दूसरा एक इनिशिएटिव है उड़ीसा करके, जो विद्यार्थियों के एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे यहां पर एक इनिशिएटिव चलता है सप्तधारा, जिसको हम कला और नाटक एवं संगीत एवं नृत्य के साथ जोड़ते हैं। तो इन सब आयामों में हमने कुछ ऐसे प्रयोग शुरू किए जिससे कि हमारा विद्यार्थी, भले वो हमारे यहां पर वाणिज्य महाविद्यालय है तो हम एक ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं जिसका नाम है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब जैसा कि ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहां पर आते हैं वो ये माइंडसेट से आते हैं कि हमें बीकॉम की पढ़ाई करनी है, जहां पर हमारा प्रिंसिपल मेन जो सब्जेक्ट है वो एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, तो हम आने वाले समय में अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के क्षेत्र में ही काम करेंगे। लेकिन हम पूरे साल कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसा कि एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच गिफ्ट सिटी करके एक फाइनेंस हब पिछले 15 साल में डेवलप होने जा रहा है।
ड्यूरिंग दिस लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल में अगर पूरे भारत वर्ष में अगर देखा जाए तो मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसी तरह गुजरात में एक और अल्टरनेटिव, एक और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने 2006-07 के अराउंड गिफ्ट सिटी करके एक पूरा एरिया, एक पूरा ऐसा क्लस्टर डिजाइन किया, डेवलप करवाया, जो अभी 15 साल में काफी हद तक डेवलप हो गया है। और न केवल भारत लेकिन विश्व की जो सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियां है, विश्व की जो सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनीज है, विश्व के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, वो अपना मुख्य कार्यालय गिफ्ट सिटी में या तो ऑलरेडी उन्होंने ओपन कर दिया है या तो अभी ओपन करने जा रहे हैं। तो काफी बार मैं उनके साथ गिफ्ट सिटी में अपने कॉलेज आर्स खत्म होने के बाद, हमारा 2 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद गिफ्ट सिटी में विजिट करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उन कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, उन कंपनी के जो फाइनेंस और अकाउंट में काम करते हैं वो लोग हैं, उनके साथ बैठ के कुछ चर्चाएं हम लोग करते हैं कि भैया हम जो बीकॉम या एमकॉम करवाते हैं, उस बीकॉम एमकॉम करने के बाद जब कोई कैंडिडेट, जब कोई स्टूडेंट आपके पास जॉब के लिए आता है, तो क्या उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल्स है जिससे आप उनको तुरंत ही जॉब दे दे। तो जितने भी जो कंपनियां है उनका एक ही कंप्लेन रहता है हर बार कि आपके वहां से जो भी बच्चे निकलते हैं उनके पास ज्यादातर किताबी ज्ञान होता है, और जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान उनके पास नहीं होता है। तो पहले 6-7 महीने, पहले 1 साल 2 साल 1.5 साल हमें वही ट्रेनिंग देने में लग जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि उनके पास वो, उस विद्यार्थी के पास, उस स्टूडेंट के पास, उस कैंडिडेट के पास अवेयरनेस नहीं होता है। तो अवेयरनेस नहीं होता है उसके लिए वो इधर से उधर जंप लगाता रहता है, तो ना तो इंडस्ट्री को अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं और न तो हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब ये तो मैंने कॉमर्स की बात की, यहाँ पर काफी प्रोफेसर ऐसे भी जुड़े हैं जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय के होंगे। मैं कॉमर्स का अध्यापक होने के अलावा भाषाओं के प्रति भी मेरा काफी चिंतन मनन अध्ययन रहता है। अभी पिछले 4 दिन एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, टेंट सिटी में हमने आयोजित किया था, भारतीय भाषा संगम नाम से। इसमें हमने पूरे भारतवर्ष में से 22 अलग अलग जो हमारी भाषाएं हैं संविधान की, उसके भाषा विशेषज्ञों को बुलाया और 2 दिन की चर्चा, 2 दिन का चिंतन मनन हमने किया वहां पर। तो उस चिंतन मनन से भी एक बात निकल के आई कि हम, हमारी जो भाषाएं हैं, जैसे मैं गुजरात से हूं तो मेरी मातृभाषा गुजराती है, आप मध्य कौशल प्रांत से, मध्य प्रदेश से है तो आपकी भाषा हिंदी है, तो इसी तरह हम अपनी भाषाओं में कितना काम करते हैं। जैसे हमारे यहां सभी के यहां पर साहित्य अकादमी है, जैसे गुजरात में गुजरात साहित्य अकादमी है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है, वहां से एक विशेषज्ञ भी आए थे डॉक्टर विकास दवे करके, कुछ लोग उनको जानते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने साहित्य, हम अपनी भाषा को भी अपनी जो आने वाली पीढ़ियां है उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसमें जो उच्चतर शिक्षा को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप उसको हिंदी वाले ड्राफ्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका पेज नंबर 54 है, वहां से उच्चतर शिक्षा के बारे में उस ड्राफ्ट में लिखा है, तो वहां पर भी ये बात बहुत अच्छी तरह से बखूबी बताई गई है। और ये पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसको बनने में तकरीबन 6 साल लगे, 2014 से ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2020 में
ड्यूरिंग कोविड ये शिक्षा नीति का फाइनल जो ड्राफ्ट है वो आया, और ये 6 साल में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सभी स्टेक होल्डर्स के पास से रिकमेंडेशंस मंगवाए गए, उनके सूचन मंगवाए गए, और उसके बाद ये शिक्षा नीति आई। और ऐसा नहीं है, इसके क्रियान्वयन के लिए भी अभी हमारे जितने भी संस्थान है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, UGC जिसको हम बोलते हैं, हमारे जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि CHE जो है, या टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहां से भी इसके क्रियान्वयन को लेके बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई गई है और आने वाले समय में भी आएगी। लेकिन एक अध्यापक, एक कॉलेज, एक महाविद्यालय और एक विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा योगदान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो मैं फिर आपको मेरे खुद के अनुभव से जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने हमारे जो बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनको पिछले साल क्लाउड अकाउंटिंग और ERP का एक 10 दिन का वर्कशॉप करवाया। अब हमारे और देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के बीकॉम के कोर्स में क्लाउड अकाउंटिंग और ERP सिलेबस में नहीं आता, लेकिन जब हमारे बच्चे बीकॉम पास करके जाते हैं तो प्रैक्टिकली जब उनको अकाउंटिंग का काम करना होता है तो उनको क्लाउड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर करना होता है, उनको ERP के सॉफ्टवेयर के ऊपर करना होता है, उनको टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर ये काम करना होता है। तो जब बच्चे क्लाउड अकाउंटिंग, ERP या टैली अकाउंटिंग ऐसे सॉफ्टवेयर सीख के और अकाउंटेंसी का जो थियोरेटिकल या कंसेप्चुअल नॉलेज लेके जाते हैं कंपनियों के पास जॉब के लिए, तो उनके लिए ये जो जॉब लेने का प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह हम हमारे महाविद्यालय में कुछ ऐसे प्रयोग भी करते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हम हर साल विद्यार्थियों को प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं अपने घर पे एक छोटा सा एक टेबल रखा के मैंने छोड़ परब जैसा एक इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, यानी कि कोई भी मेरी सोसाइटी के आसपास कोई भी रहता है तो उसको अगर मेरे यहाँ से प्लांट वगैरह कुछ ले जाना है तो वहां से ले जा सकता है और वहां पे रख भी जा सकता है, तो इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो ऐसे कुछ प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह पूरे साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आएगा तो हम कुछ ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं कि जिससे हमारे विद्यार्थी जो है वो भाषाओं के प्रति थोड़े बहुत संवेदनशील हो, वो भाषाओं में पढ़े। हमारी यहाँ की जो गुजरात साहित्य अकादमी है उनसे बात करके विद्यालय में उन्होंने तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा राशि के पुस्तकें हमें उन लोगों ने भेंट किए, और उन पुस्तकों में राष्ट्रवाद की नीति हो, उन पुस्तकों में भाषा के प्रति जितना भी काम हुआ है आज तक मध्यकालीन युग में और उससे पहले के युग में, उन पुस्तकों में भारतीय ज्ञान परंपरा इंडिक नॉलेज सिस्टम की जो बात है वो सारे पुस्तक उन सूची में शामिल है। तो हमने हमारे यहाँ महाविद्यालय में एक ऐसा प्रयोग शुरू किया कि 11 या 12 बजे तक हमारे यहाँ पर रूटीन लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद फिर विद्यार्थी या तो अपने घर चले जाते हैं या तो किसी एक्टिविटीज में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उनके काम में जुड़ जाते हैं। अब जो विद्यार्थी घर चले जाते हैं तो उनके लिए हमने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि वो विद्यार्थी एक कक्ष में बैठे, कक्ष में एक वहां पर एक जगह पर पुस्तकें रखी गई है और उस पुस्तक में से कोई भी पुस्तक जो विषय उनको पसंद है वो पुस्तक वो पढ़े और वापस वहीं पर रख के जाए। तो ऐसा भी एक नवाचार हमने शुरू किया वहां पर। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे प्रयोग है जो हम हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय के साथ
कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी में जैसे ही हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया इस साल से, तो हमने सबसे पहले एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया पूरे एक हफ्ते का, जिसमें हमने इंडिक नॉलेज सिस्टम के अच्छे अच्छे जिनका काफी अध्ययन रहता है, जिनका काफी मनन चिंतन रहता है, उन सबको साथ में लेके एक पूरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया। और अभी रिसेंटली जस्ट 10-15 डेज से पहले इंडिक नॉलेज सिस्टम IKS, जो हम ये साल से सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 3 के जो बच्चे हैं सभी फैकल्टीज के, उनको हम ऑफर करने जा रहे हैं, तो उनके जो अध्यापक गण है उनके लिए हमने ये व्यवस्था की, जिससे कि वो लोग जब अपने क्लासरूम में जाए तब उनको खुद को इंडिक नॉलेज सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए और वो इंडिक नॉलेज सिस्टम को अपने विद्यार्थी के साथ साझा कर सके, वो ज्ञान को पहुंचा पाए। हमारे यहाँ पर हमारे एक मित्र है जिनका सेंट जेवियर्स ऑटोनॉमस कॉलेज है, वहां पर मैंने और उन साहब ने, हम लोगों ने मिलके अलग अलग 20 ऐसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स को डिजाइन किया जो केवल और केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर आधारित है, जिसमें अगर आपको मैं बताऊं तो वैदिक गणित भी आता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है, जिसमें वास्तुशास्त्र भी आता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं और इन्हीं सब प्रयोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि आप आने वाले भारत के ऐसे नागरिक को तैयार करो जिसका चरित्र निर्माण भी बहुत अच्छे से किया है, जिसका व्यक्तिगत विकास भी बहुत अच्छे से किया है, और अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में वो विद्यार्थी एक असेट के तौर पे, किसी भी फील्ड में अगर वो जाता है तो वो कभी लायबिलिटी ना बने, वो असेट के तौर पे जाए। चाहे वो विद्यार्थी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से आता है, चाहे वो विद्यार्थी अगर राज्यशास्त्र का हो, ठीक है, अगर वो विद्यार्थी राज्यशास्त्र का है तो उसने पॉलिटिकल साइंस के काफी सारे थियरीज तो पढ़े होंगे जो वेस्टर्न थिंकर्स है उनके होंगे, लेकिन उस विद्यार्थी को क्या हम चाणक्य का नीति शास्त्र, चाणक्य का राज्यशास्त्र, भले हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में, भले हमारे सिलेबस में, भले हमारे अभ्यासक्रम में चाणक्य का अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र या राज्यशास्त्र नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसे कुछ प्रयोग, ऐसे कुछ नवाचार करके हम उस विद्यार्थी को बता पाए। मेरी मुलाकात भारतीय भाषा संगम के कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर से हुई, जिनका नाम है प्रोफेसर कपिल कपूर साहब, जिन्होंने 1970s के दौरान, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा, मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं 3 दिन उनके साथ उनकी व्यवस्था में लगा था, और जब भी मुझे समय मिलता था व्यवस्था के टाइम में तब उनके साथ मेरा काफी वार्तालाप भी हुआ। तो उन्होंने 1975 में JNU, जो दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर इंडिक नॉलेज सिस्टम के लिए काम करना शुरू किया था, और पिछले 40 सालों में उनका जो काम था वो इतना बड़े स्केल पे पहुंच गया कि हमारी जो ये शिक्षा नीति है उसमें आप हर पेज पे एक बार इंडिक नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी एक छोटे कदम के साथ ये जो बड़ा कार्य है उसकी शुरुआत की थी, और आज जाके आप देख रहे हो कि हमारी जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके हार्द में अगर आप देखने जाओगे, उसके सेंटर में अगर आप देखने जाओगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा है, और भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है कि हमारा विद्यार्थी जो है वो न केवल अपराविद्या को प्राप्त करे, वो पराविद्या को भी प्राप्त करे। हम वो संस्कृति के अनुगामी और पुरोगामी है जो ये बताता है, जो विश्व को ये सिखाता है कि हम केवल मटीरियलिस्टिक नॉलेज ना ले, जैसा कि अपराविद्या, अपराविद्या यानी कि वो विद्या जिससे हम गाड़ी खरीद पाएंगे, जिससे हम घर खरीद पाएंगे, जिससे हम खाना खा पाएंगे, जिससे हम कपड़े खरीद पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ
पराविद्या की भी हमारे शास्त्र में बात की गई है। पराविद्या यानी कि वो विद्या जिसको हम स्पिरिचुअल विजडम से जानते हैं। स्पिरिचुअल विजडम यानी कि वो विजडम कि हमारे जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में हम कैसे स्थित प्रज्ञ अवस्था में उस परिस्थिति का सामना करते हैं और उस परिस्थिति में समस्या नहीं देखते, उस परिस्थिति में हम समाधान ढूंढ के लाते हैं। तो हम वो शास्त्र, हम वो ज्ञान परंपरा के पुत्र है। मैंने आगे बताया कि हम मैकोले के मानस पुत्र है, लेकिन इसके साथ साथ और इससे पहले हम वो भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग हैं जो दोनों विद्याओं की बात करते हैं, जो पराविद्या की भी बात करते हैं, जो अपराविद्या की भी बात करते हैं। और इसी के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोलता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे को न केवल अकाउंट्स पढ़ाया जाए, अकाउंट्स के साथ उसको साहित्य लिटरेचर का भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को अकाउंट्स और साहित्य के साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर रास्ते पे किसी को एक्सीडेंट होता है या रास्ते में किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको हम CPR दे के उस हार्ट अटैक के सामने भी उसका जीवन बचा पाए। तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और ऐसे काफी सारे छोटे मोटे प्रयोग हम अपने विद्यालयों में, हम अपने विश्वविद्यालयों में कर पाते हैं। और ये प्रयोग का जो परिणाम है, वो परिणाम ऐसा हमें मिला है, मैंने देखा है हमारे यहाँ गुजरात में काफी सारे छोटे छोटे विद्यालय है जहां पर बच्चे विदाउट सुपरवाइजर पूरा अपना जो एग्जाम होता है वो कंप्लीट करते हैं, विदाउट CCTV कैमरा, विदाउट सुपरवाइजर। 3 घंटे का एग्जाम होता है, हम पेपर बांट के चले जाते हैं और 3 घंटे के बाद वो अपनी जो कॉपियां होती है वो जमा करते हैं और बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन से वो अपने घर पे जाते हैं, कोई भी कॉपी वगैरह किए बिना। तो ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब कब होगा? जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा हमेशा मानता हूं कि बड़ी से बड़ी जर्नी, बड़ा से बड़ा जो सफर होता है उसको अगर तय करना है तो उसके लिए एक कदम से शुरुआत करनी पड़ती है। और वही एक कदम शिक्षा मंत्रालय ने तो ले लिया है, वही एक कदम मध्य प्रदेश के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने भी ले लिया है, लेकिन क्या वो एक कदम एक अध्यापक के तौर पे हमने अपने निजी जीवन में लिया है? हम लोगों ने अभी, मैं मेरी बात को 2 या 3 मिनट में कंप्लीट करूंगा क्योंकि मेरे बाद भी वक्ता महोदय बैठे हुए हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है। तो हम लोगों ने अभी अपनी जो हायर एजुकेशन की बॉडी है यहाँ पर, जिसको हम KCG के नाम से जानते हैं, नॉलेज कॉन्सोर्शियम ऑफ गुजरात के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने हमारे स्टेट में जितने भी बच्चे जो कॉमर्स के ग्रेजुएशन में एनरोल होते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम को डिजाइन किया है अकाउंटेंसी और टैक्सेशन विषय में। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो जॉइंटली उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ICAI जो CA की डिग्री देता है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है वो, और गुजरात गवर्नमेंट, वो दोनों साथ में मिलके ये काम करेंगे। इसी तरह आने वाले समय में हमारे यहाँ गुजरात में एक कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी भी लास्ट ईयर ओपन हुआ, जिसमें सभी अभ्यासक्रम, जिसमें सभी कोर्सेस इंडस्ट्री के साथ मिलके चालू किए गए हैं। कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी में मैं फाउंडर मेंबर हूं और वहां पर हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन कैसे उड़ाया जाए, वहां पर हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। वहीं पर हम लोगों ने BSc विथ स्टील टेक्नोलॉजी करके एक अभ्यासक्रम शुरू किया है। इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली स्टील कंपनी जिसका नाम है आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील लिमिटेड, जो गुजरात में सूरत के पास हजीरा करके एक पॉट है वहां पर स्थित है। तो ऐसे कुछ नवाचार हम लोगों ने अपनी तरह से किए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आपके वहां भी ऐसे कुछ नवाचार होते होंगे और ऐसे नवाचार होने चाहिए, तब जाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सही मायने में क्रियान्वयन में ला पाएंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हर बार बताते रहते हैं कि हम अमृत काल में है,
तो वो अमृत काल में 2047 यानी कि 2047 तक, यानी कि हम अपनी आजादी के जब 100 साल खत्म करेंगे, तब क्या सही हम अपने समस्याओं को समाधान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए ही ये शिक्षा नीति का सही मायने में क्रियान्वयन उच्चतर शिक्षा में भी जरूरी है और प्राथमिक और स्कूली जो शिक्षा है वहां पर भी जरूरी है। मैं आशा रखता हूं कि मैंने जो अपने मुद्दे रखे वो मुद्दे से आपको कुछ सकारात्मकता मिली होगी। मैं विशेष आभारी हूं प्रोफेसर डॉक्टर सपना कासलीवाल मैडम का कि जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में एक वक्ता के रूप में जोड़ा, और आप सभी प्रतिभागियों, आप सभी अध्यापकों को मेरा पुनः एक बार सादर प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं और मेरा अभिनंदन कि आप ऐसे भगीरथ कार्य में जुड़े, और कभी भी आप गुजरात आए, अहमदाबाद आए, तो जरूर एक अवसर दीजिएगा, क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव के लोग हैं, तो आप जरूर आइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत ही नॉलेजेबल था। भारतीय ज्ञान परंपरा, नवाचारों के बारे में आपने जो भी बताया, निश्चित तौर पे हम भी अपने महाविद्यालय में उसे लागू करने का प्रयास करेंगे, और आप हमारे एक कॉल पे हमारे लिए उपलब्ध रहे, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल सेशन। अब कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र मंडलोई सर जुड़ चुके हैं, तो दूसरे रिसोर्स पर्सन को सुनने से पहले मैं चाहूंगी कि धर्मेंद्र मंडलोई सर के आशीर्वचन हमें प्राप्त हो, तो रिक्वेस्ट करती हूँ धर्मेंद्र मंडलोई सर से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आपका माइक बंद है, आपका माइक ऑन कीजिए सर। सर आपका माइक बंद है। भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन होता रहे जिससे विद्यार्थी और शिक्षा का उत्थान होता रहे और हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब वक्त है हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन को सुनने का, तो मैं महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रंजना पाटीदार मैम से निवेदन करूंगी कि वे हमारे अगले रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विकास शर्मा सर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनको हम उनके परिचय से हम सभी को अवगत करावे। डॉक्टर रंजना पाटीदार मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून ऑल। आई एम डॉक्टर रंजना पाटीदार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। आई एम थोरली प्लीज्ड टू इंट्रोड्यूस यू आवर गेस्ट स्पीकर फॉर द सेशन, डॉक्टर विकास शर्मा। Now let us know about Dr. Vikas Sharma. He is an assistant professor and presently working in PGDAV College, Delhi University. He is a PhD and also has other degrees like MBA, MCom, MA in Psychology. He qualified NET, JIIB and CAIIB from IIBF. Dr. Vikas Sharma has a variety of work experience. He has 5 years experience as manager in PSBs, 3 years experience in Kendriya Vidyalaya as lecturer. He worked for 6 months in Ministry of Statistics as investigator. Now let us see some of Dr. Sharma's previous selections. Dr. Sharma was previously selected as assistant director in National Cooperative Development Society. He was also selected as accounting officer in BSNL, also selected as assistant professor in Generation College, Garatganj through MPPSC. He authored a book on business entrepreneurship and management, and also got published more than 10 research papers on subjects like commerce, economics, and NEP. So I'm sure there are many more things to add on, but I need to stop here and hand over the platform to our guest speaker so that we can get new knowledge from him. Welcome, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Pracharya LS Alawar, ma'am. Sir, Dr. Kiran Waloji.
हमारे अध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी, संयोजक सपना काशलीवाल मैम, वरिष्ठ प्राध्यापक सरिता जी एवं आर के जैन सर, आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने का। साथ में सभी जो उपस्थित साथी हैं जिनका नाम मुझे अभी नहीं पता है, उन सभी का भी मैं आभारी हूँ कि वो इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े, और सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, सभी अपना पेपर अच्छे से शांति से प्रेजेंट करें। हमारा टॉपिक है आज का एनईपी, एनईपी के ऊपर काफ़ी बातें भी हुई है हमारी, तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन एक बार शेयर करना चाहता हूँ आपसे, वो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ फिर शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सर आपने फोन से शेयर किया है क्या प्रेजेंटेशन? बहुत शॉर्ट आ रहा है। जी मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, अभी ओपन देखिए मोबाइल पे बस क्लियर दिख रहा है। डियर बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। शेयर ट्रेडिंग करता भाई, शेयर ट्रेडिंग करता है। चलिए इतने ऊपर हो रहा है तो बात कर लेते हैं थोड़ा एनईपी के ऊपर। एनईपी की जो हमारी पॉलिसी आई वो एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए आई, एजुकेशन जो हमारी है उसमें क्या है, स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे उनके अंदर एक तो कैपेसिटी की कमी पाई जाती है कि वो कुछ क्वेश्चन टीचर से कम पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कम करते हैं, कुछ थिंकिंग एबिलिटी जो होती है हमारी उसके ऊपर बात करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उतना थिंक नहीं कर पाते कि वो कुछ नया कर सकें, कुछ क्रिएटिव कर सकें। फिर बात चलती है आगे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कैसे कुछ भी काम करना है तो मम्मी पापा से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, हमारे अंदर खुद से अपना कोई डिसीजन लेने का इतना कैलिबर नहीं होता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो एनईपी बनाई गई उसमें ये फोकस किया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से ही इस बातों पर ध्यान दें। या एक सेकेंड अभी कैमरा ऑन नहीं हो पाया क्योंकि अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो मैं जब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा तो फिर मैं कैमरा ऑन कर दूंगा। सर इट इज विजिबल नाउ, योर प्रेजेंटेशन इज विजिबल। ओके ओके ठीक, तो चलते हैं बात करते हैं पहले एनईपी की। एनईपी के अंदर मेन पॉइंट्स जो है पहले बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, एनईपी फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी तक हमने देखा है क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं 2 या 3 साल की एज से क्या करते हैं, वो आंगनवाड़ी में या कहीं आसपास जो प्ले वे स्कूल होते हैं वहाँ पर वो सीखने जाते हैं, वहाँ पर उनको एक्टिविटीज़ के द्वारा, प्ले के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे आपको आगे लर्निंग करनी है। लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है, कोई टीचर क्वालिफाइड नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनईपी ने अब डिसाइड किया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स They will be taught by the experienced and trained faculty। तो यहाँ पर जो NEP में फोकस है पहला वो है कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर है, और स्टार्टिंग हमारी जो होती है हम बोलते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 85% हमारा 5 ईयर की एज तक ही हो जाता है। जो हमारा डेवलपमेंट 5 ईयर की एज तक ही ब्रेन का 85% हो जा रहा है, तो उसके बाद हमारा कितना डेवलपमेंट बचा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि बेसिक टाइम से, यानी कि कम से कम 2-1.5 साल की जो हमारी एज होती है, कम से कम वहाँ से हम स्टूडेंट को कैप्चर करें और जो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उसका बेनिफिट लेते हुए उसी एज में जो वो सीख लेगा वो आगे तक उसको अच्छे से कैरी करेगा, तो उसका जो बेस बन जाएगा यहाँ पर वो
अच्छा बनेगा। तो इसके लिए जो हुआ है डिसाइड कि जो ECCA बोलते हैं इसको हम, यहाँ पर जो भी टीचर आने वाले हैं आगे उनको ट्रेन किया जाएगा, वो क्वालिफाइड होंगे और उसके लिए इसको अलग से इनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पहला हमारा पॉइंट है NEP 2020 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहली किसी पॉलिसी में अभी तक इस पर बात हुई नहीं है। तो सेकंड फोकस है हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसका मतलब क्या है कि हम जो बच्चे हैं या इंडिया में जो भी लोग रहते हैं वो कम से कम इतना नॉलेज उनको हो जाए कि वो अक्षरों को पहचान सकें, अक्षरों को पढ़ सकें, इंग्लिश को और मैथमेटिक्स के जो सिंपल कैलकुलेशन है वो कर सकें। तो ये भी इसका एक फोकस है कि जो बच्चे हैं 3 ग्रेड 3 तक आते आते वो कम से कम इस लायक बन जाए कि अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, अपना जो भी आपको पढ़ने का मटेरियल दिया गया है प्रोनाउंसिएशन ठीक हो उनकी, और जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर भी यहाँ फोकस किया गया है, ये जो बच्चे हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वो आसानी से कर सके। ये हमारा सेकंड फोकस है NEP 2020 का। फिर है स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ चेंज कर दिया गया है, सबको पता ही होगा 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया, क्योंकि हमने बात की थी अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, तो वहाँ पर हमने बताया कि बच्चे जो हैं प्रीमिट प्राइमरी लेवल से ही क्वालिफाइड टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 5 में क्या आ रहा है आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस हमारी आगे जाके आती है। और हम बात करेंगे जब कॉलेज की, आगे जब हम पहुँचेंगे तो मैं बात करूँगा इसके ऊपर। कॉलेज के अंदर भी अब क्या है, वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिप्लोमा का, आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी इसके लिए क्या कहते हैं उसका सर्टिफिकेट कोर्स। उसके बाद थर्ड ईयर में आप पहुंचेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप 4th ईयर में पहुंचेंगे तो आपको रिसर्च के लिए भी यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो आप आगे अगर PhD करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस रिसर्च को भी काउंट किया जाएगा। तो जो हमारा स्कूल सिस्टम है जो अभी वाला, उसको चेंज करके 5+3+3+4 को अभी लाया गया है हमारे NEP के द्वारा। अब मेन बात हमारी जो आ रही है, ये बात आ रही है मल्टी लिंग्विज्म की, कि जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में, मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही उस पर हम फोकस करेंगे। तो बच्चे जो छोटी एज में देखा होगा क्या होता है, वो इंग्लिश हिंदी जो भी उनको लैंग्वेज घर में सीखने को मिलती है वो दोनों ही अच्छे से बोल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टडी की गई, पाया गया कि जो स्टूडेंट है जो अर्ली एज में जो वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, जो कमांड उनकी लैंग्वेज पे आ जाती है वो आगे जाके नहीं आती है। तो स्टार्टिंग से ही हम मल्टी लिंग्विज्म पे फोकस करेंगे, और जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चला हुआ आ रहा है उसको भी इसने आगे एनकरेज किया है। बात करते हैं फिर एग्जामिनेशन की, वहाँ पर क्या होता है कि रोड लर्निंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। मैंने बताया पहले भी कि हम सोचते कम है, है ना। तो यहाँ पर क्या, जो हमारा असेसमेंट सिस्टम जो था हमारा, वो समेटिव असेसमेंट था, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह अब लाया गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव में क्या हुआ, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, बताया बच्चा पास है फेल है, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, आपका टाइम टू टाइम पीरियडिक टेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ हम चेक करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ वो लैग कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम उसको आगे जो भी एड है वो दी जाती है, टीचिंग एड, लर्निंग एड दी जाती है, ताकि वो आगे से अच्छे से फोकस कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आप लोगों के लिए वो है वोकेशनल एजुकेशन, कि अब जो एजुकेशन है उसका फोकस 8th क्लास से ही हो जाएगा वोकेशनल पे, कि आपको कोई भी एक वोकेशन यानी भी कोई भी एक स्ट्रीम जो भी जहाँ स्किल्स का की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपको 8th क्लास से ही आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा जो आपके वोकेशन के ऊपर है, आपकी हॉबीज आप चाहते हैं देना, फोटोग्राफी ले सकते हैं आप उसके अंदर, आप चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर में कुछ सीखना है कंप्यूटर में कुछ सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं कोई भी कंप्यूटर की, आप गेमिंग करना चाहते हैं, गेम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो आगे ये 8th क्लास से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका वोकेशनल एजुकेशन, और 10th क्लास और 12th क्लास में जाके 2-2 इसके सब्जेक्ट हो जाएंगे, ताकि बच्चा जब 12th क्लास पास करके बाहर निकले तो फिर उसको कम से कम इतनी स्किल्स उसके अंदर हो कि अगर वो आगे पढ़ना नहीं चाहता, अपने किसी फील्ड में अपने मास्टरी करना चाहता है स्किल्स के अंदर, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन में भी की गई है। ये सारी बातें लेकिन अभी स्कूल की हम कर रहे थे, और हम अभी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में क्या चेंजेस आए, कॉलेज में क्या हो रहा है, थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है कॉलेज के अंदर। तो पहला पॉइंट वही था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये स्कूलों में भी अप्लाई कर दिया गया है। आगे से क्या होगा, जो बच्चा है 11th में एडमिशन लेगा उसको चॉइस होगी, वो साइंस भी पढ़ सकता है, साथ में कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, उसे कोई और सब्जेक्ट लगता है आर्ट्स का अच्छा उसको भी चूज कर सकता है। तो उसको बहुत सारे पेपर हम ऑफर करेंगे, 16 पेपर ऑफर करेंगे, और उसमें से वो कोई 8 चुनेगा। तो ऐसे ही कॉलेज के अंदर भी रेंज ऑफ पेपर्स अलाउड किया गया है, जैसे कि बीकॉम में अभी बच्चों को कम से कम 28 कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जहाँ से उनको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 चुनने हैं कि हमें 8 कौन से लेने हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, बच्चों को कोई ये नहीं बोलेगा मैं साइंस पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आर्ट्स पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ने जा रहा हूँ, आगे ये जो भी ये जो
यहाँ पे जो है क्या नाम है हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे जाके सबकी जो नॉलेज है उसको हर किसी को हर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, या हर बच्चा जो भी है वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलेगा। साइंस वाले को थोड़ी कॉमर्स भी आती होगी, कॉमर्स वाले को थोड़ी साइंस भी आती होगी, थोड़ा आर्ट्स की भी नॉलेज उसको मिलेगी, थोड़ा मैथ भी उसको आएगी, थोड़ा इंग्लिश भी जानेगा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेगा। तो ये अप्रोच इसलिए कि आगे जितने भी जॉब है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आजकल एक स्किल से काम नहीं चलता, हर किसी के पास एम कॉम बी कॉम ये बी बी ए बी सी ए एम सी ए एम बी ए ये डिग्रियाँ इतनी आम हो गई हैं कि अब यहाँ पर फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है कि किस कौन ज़्यादा अच्छा स्किल है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, अब स्टार्टिंग से ही क्योंकि जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है कि जो भी जॉब करने आ रहा है उसको काफ़ी चीज़ें आती हों, तो अब ऐसे ही यहाँ पर स्कूल में स्टार्टिंग से इस पर फोकस किया जाएगा, तो कॉलेज में इसको और आगे प्रमोट किया जाएगा ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो सके। तो ये सबसे अच्छी बातें मुझे लगी एनईपी के अंदर, ये है आप सबके लिए। तो सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने जो करिकुलम है खुद डिसाइड करने में, बताया कि 28 पेपर आपको ऑफर किए गए, आपने कोई भी आर्ट सुनने हैं उसके अंदर से, तो आप करिकुलम पहले से डिसाइड हो गया कि आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा था हमारे टाइम पे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको चॉइस दी जा रही है कि 28 पेपर है या 30 पेपर है या 22 पेपर है और आपको कोई 6 या 8 अपने हिसाब से चुनने हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो अपना करिकुलम खुद से सेट कर सकता है, यहाँ पर ये नहीं है कि जो पहला दिया गया वो वही पढ़ेगा, चाहे उसका इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट का ध्यान भी रखा गया फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो भी पेपर पढ़ रहे हैं उसका हमें कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे, 4 क्रेडिट 6 क्रेडिट 6 क्रेडिट 8 क्रेडिट, वो डिपेंड करेगा कि करिकुलम में क्या वेटेज दी गई है उसको। और एक बार आपको आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो आप मान लीजिए किसी कॉलेज छोड़ देते हैं या किसी और कारण से ट्रांसफर करके किसी और स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो क्रेडिट आपके अकाउंट में हो गया वो आपको वहाँ भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब सारे जो इंडिया है वहाँ सारी जगह ये आपका अलाउड होगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि CUET से ऑल इंडिया में अब एग्जामिनेशन होकर एंट्रेंस टेस्ट पास करके एडमिशन हो रहे हैं। तो आगे जाके ये भी आपका होगा, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहीं भी जाके पढ़ सकता है, अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो वहाँ पढ़ सकता है, और जो पास उसकी जो रिकॉर्ड है जो पास उसका जो क्रेडिट है इसके अंदर उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। अगर आपने 2 साल कोई एजुकेशन ले ली फिर आपने 5 साल 10 साल एजुकेशन नहीं ली, आप चले गए सिस्टम से बाहर जॉब अप करने के लिए, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और पढ़ना था, ये तो मुझे पूरा करना है डिग्री, ये मुझे आगे लेके जानी है, तो उसका भी बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अब ये नहीं कि 5 साल में आपने किया तो किया वरना गई, अब ये बात नहीं है, आप कभी भी दोबारा से अपनी डिग्री को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसका, और इन सबका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा जो रिकॉर्ड हमारे को आगे भी काम आएगा। ये रिकॉर्ड जो होगा ये हमारा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से सिस्टम बनाए गए हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस रिकॉर्ड को कैसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब मेन पॉइंट होगी, काफ़ी पॉइंट है एनईपी के अंदर बताने के लिए, तो शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपका पॉइंट है रिसर्च एंड इनोवेशन, इसमें मैंने आपको बताया कि हम स्टार्टिंग से ही फोकस कर रहे हैं, बच्चा क्वेश्चनिंग करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, एनालिसिस करे, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर रिसर्च की थोड़ी सी कैपेबिलिटी आएगी, वो खुद से कुछ प्रॉब्लम को जानेगा, देखेगा, समझेगा, और कुछ ना कुछ नया करने के लिए उसके अंदर मन में आएगी। क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पर क्या है, जॉब्स के रिक्वायरमेंट सीकर बहुत सारे हैं और जॉब प्रोवाइडर बहुत कम है, इसीलिए मेड इन इंडिया जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मोदी जी लेके आए इसको, वो उस पर फोकस किया गया। क्योंकि चाइना के अंदर भी देखा गया कि वहाँ पर जब डेवलपमेंट हुआ वो इंडस्ट्रीज से ही हुआ, वो प्रोडक्शन से ही हुआ, वो खाली गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी से नहीं हो पाई। तो इसलिए ये जो पॉलिसी आई इसका मतलब ये था कि जो लोग हैं वो खुद में जागरूक हों, थोड़ा रिस्क टेकर बने, बिजनेस करना सीखें। हालांकि हम मानते हैं कि इसमें कैपिटल की थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट नहीं दे पाती है उतनी, लेकिन अब ये जो है स्किल ट्रेनिंग देने के साथ साथ गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि लोग क्या करें, खुद का बिजनेस करें, खुद इनोवेशन करें, और ताकि वो खुद का तो पेट भरे भरे, साथ में जो हमारे आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम उसके अंदर मिल जाए, और जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी कुछ काम मिले। इनोवेशन होगी तो देश का डेवलपमेंट होगा, लेवल ऑफ लिविंग बढ़ेगी, हम लोग इम्पोर्ट करना कम करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये सब बातें इस NEP में फोकस की गई। इसके लिए फंड भी बनाया गया, लास्ट में देखो आपको मिल रहा होगा NRF नेशनल रिसर्च फंड, तो ये भी आपको इसमें काम आने वाला है। तो ये प्रोवाइड करेंगे हायर एजुकेशन के अंदर, जब आप रिसर्च के लिए जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलने वाली है। फिर है फैकल्टी डेवलपमेंट, जो हम बात कर रहे हैं, वेबिनार हमारा चल रहा है, ये भी इसी का एक पार्ट है कि क्या जो फैकल्टी एक बार आ गई वो अपना काम कर रही है, काम में इतना मग्न हो जाती है कि इसको टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो स्किल्स को अपनी इंप्रूव कर सके, जो लास्ट लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में उसको वो अपडेट कर सके। और साथ में योगी हम नए जमाने के साथ चलने वाले हैं, इतने चेंजेस हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, तो फैकल्टी भी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहे, नॉलेज इसको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट का जो प्लान था, पहले भी इस पर बातें की गई लेकिन इस पर अभी काम नहीं किया गया, तो इस पॉलिसी के अंदर इस पर थोड़ा काम शुरू हो भी चुका है और अभी आगे होने वाला है। तो इससे हम जैसे जो टीचर हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है कि
जो हमारी नॉलेज है वो अपडेट रहती है और कुछ तो कुछ नया नया जो हम सीखते रहते हैं मार्केट से या जो हमारे को मिलती है इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी से या हमारे कलीग से उसको हम किसी ना किसी जरिए शेयर करते रहते हैं। तो ये फैकल्टी डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया स्कूल लेवल पे भी और साथ में कॉलेज लेवल पे भी। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर कि अब बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं। आपने देखा भी था कि जब कोविड 19 आया तो वहाँ पर क्या हुआ, कोविड 19 के अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली है ना, तो किसी ने गूगल मीट का यूज़ किया, किसी ने जूम का यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इससे हमने देखा कि ये जो टेक्निक है वो टीचिंग में एड का काम करती है, टीचिंग को इम्प्रूव करती है, लर्निंग की स्किल्स को इम्प्रूव करती है। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के अंदर जिससे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, खासकर जो स्टूडेंट में डिसेबिलिटी होते हैं हमारे PWD में जो आते हैं, तो उनके लिए हम क्या नया कर सकते हैं, वो कैसे और ज़्यादा उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए और क्या हम नई टेक्निक का यूज़ करके एजुकेशन को और आगे हाई लेवल पर ले जाएँ। ये सारी बातें जो आपकी आती है वो हमारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में आती है। तो चलते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर आपने देखा जो स्टूडेंट हैं काफ़ी लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब वार शुरू हुआ यूक्रेन और रशिया का, तो काफ़ी लोग थे हमारे स्टूडेंट थे जो वहाँ फंस गए थे वहाँ पे, वो ज़्यादातर MBBS करने या कोई डॉक्टरी का कोर्स करने या ज़्यादातर इंजीनियरिंग करने गए हुए थे। तो उनको लाने के लिए भी हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये भी ध्यान में रखा गया कि जो हमारे स्टूडेंट हैं बाहर जाके पढ़ते हैं फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन जो हमारा हो रहा है वो भी काफ़ी हमारे को नुकसान दे रहा है, क्योंकि वो अगर हमारे यहाँ पे ही काम करें, हमारे यहाँ रिसर्च करें, हमारे यहाँ इनोवेशन करें तो कितना बेनिफिट हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जब हमारे ही देश में आ जाएंगी तो लोग वहाँ पढ़ने क्यों जाएंगे, और सेकंड थिंग कि यहाँ पर जब वो आएंगी इस्टेब्लिश करेंगी तो फीस भी कम होगी, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, साथ में हमारा जो एक्सपेंस वहाँ पर रहने खाने का अलग से होता है तो काफ़ी बड़ा होता है अमाउंट उसका, तो वो भी हमारा बच जाएगा यहाँ पर। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हमने अलाउ किया गया है कि इंडिया में आए, यूनिवर्सिटीज ओपन हो। अभी जब मोदी जी बाहर अभी जाके आए थे इंग्लैंड में और यहाँ पे, तो वहाँ भी उनसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज से उनका टाइप हुआ, तो वो लोग यूनिवर्सिटीज़ भी अभी इंडिया में अपने कैंपस को ओपन करने वाली है। तो ये खासकर जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको फर्दर रिसर्च करने के लिए बेनिफिट करने वाला है। और साथ साथ जब यूनिवर्सिटी बाहर से आएंगी तो जो फैकल्टी है अगर अभी अनएम्प्लॉयड है तो उसको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, उनको जॉब मिलेगी, और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है NEP का। फिर है जो पॉइंट वो है आपका होलिस्टिक एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है खाली वो पढ़ाई ना करे, स्कूल में आए या कॉलेज में आए तो पढ़ाई ना करे, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें जो उसे होती हैं, सोशल स्किल्स होती हैं आपकी, ठीक है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को डांस की, किसी की हॉबी है, किसी के अंदर वैल्यू एजुकेशन की कमी लगती है, किसी के अंदर मोरल एजुकेशन की कमी है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो ऐसे में क्या है, ये जो एजुकेशन है ये हमारी कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन का मीनिंग ही बोलते हैं कि विच कैन डेवलप द स्टूडेंट इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, जितने भी जिंदगी के हमारे पार्ट्स हैं, चाहे वो किसी से मिलना जुलना है, कहीं वो हंसना खेलना है, कोई एक्टिविटी करनी है, घर में बिहेवियर है, बाहर ऑफिस में बिहेवियर है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट जो है आजकल इतना टेंस माहौल हो गया है कि वो इसे कोपअप नहीं कर पा रहा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, होलिस्टिक एजुकेशन देनी है, खाली स्टडी पे फोकस ना करके बच्चे की और स्किल्स पे, खासकर सोशल स्किल्स पे फोकस करना है ताकि वो लाइफ में सर्वाइव कर सके और कोई बड़ा ऐसा स्टेप ना ले सके ले जिससे कि कोई उसका उसका या फैमिली का नुकसान हो। क्योंकि आजकल आपने देखा भी है कि लोग ड्रग्स की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं, है ना, तो जब उनको वैल्यू एजुकेशन की कमी मिले है या मोरल एजुकेशन की कमी हो रही है तो कोई कुछ समझाने वाला नहीं है कि आप इनका यूज़ करोगे तो आपको आगे आके आपको ही नुकसान है, है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया कि ये होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में बच्चों को मिले, ना कि खाली सिर्फ किताबी नॉलेज के रूप में। और फिर बात चलते हैं आगे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ की। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा और काफ़ी नया है, हालांकि टाइम लगेगा इसके अंदर। अब इसमें बोला गया कि जितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज अभी तो खाली कॉलेज है, और मतलब कोई कोई कॉमर्स का कॉलेज है, कोई साइंस का कॉलेज है, कहीं कॉमर्स और साइंस है, कहीं आर्ट्स नहीं है। और आगे जाके ये बात हो गई कि अब तो जब हम करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिन तो हर कॉलेज में हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब जो बच्चा अगर BSc करने जा रहा है तो साथ में उस कॉलेज में कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे भी होने चाहिए। क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है कि ना BSc रहेगी, ना BA रहेगी, ना BCom रहेगी, एक ही डिग्री हो जाएगी सारी, तो फिर क्या होगा। इसलिए जो है यूनिवर्सिटीज़ वो आपस में मिलके ऐसा अरेंजमेंट करें कि जितने भी कॉलेज हैं वहाँ सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हों, और धीरे 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 ये कॉलेज ही एक कॉलेज ही अपने आप में यूनिवर्सिटी बन जाए, यानी कि हर कॉलेज एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करे। और जब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ पर मौका मिलेगा पढ़ने का, लिखने का और सीखने का। हाँ, इसमें फंड लगने वाला है, इसमें काफ़ी एफर्ट लगने वाले हैं, लेकिन जो ये प्लान है अगर इम्प्लीमेंट 2040 तक करने का जो हमारा प्लान था, तो अगर वहाँ तक 2040 तक इम्प्लीमेंट हो जाता है ये, तो फिर आप देखेंगे कि वैकेंसी बढ़ जाएगी,
हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ जाएगा, साथ में जो स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है उसका भी डेवलपमेंट जो होगा उसको भी, नहीं खाली साइंस का स्टूडेंट तो कॉमर्स का कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं होगा। तो धीरे 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 जो हमारा फोकस है वो यही है कि जो भी कॉलेज है धीरे धीरे सभी कोर्स को पढ़ाएं। ये ना हो कि एक कोर्स के अंदर यहाँ BSc है तो वहाँ पर म्यूजिक नहीं सिखाया जाता या कहीं पर म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो वहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो ऐसा ना हो। एक ही कॉलेज में सारे के सारे स्ट्रीम अवेलेबल हो ताकि जो बच्चा है जो पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर के पास ही उसको पढ़ने के लिए मिल जाए। और साथ में इसको कोई और कोर्स करना है, कोई स्किल सीखनी है, अब तो दो कोर्स करना भी आपको अलाउ हो गया है, तो वो उसी कॉलेज में रहते हुए सीख ले और उसको कहीं बाहर आके एफर्ट ना करने पड़े। और जब कॉलेज अपने आप यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो वो कितने कितने कोर्सेज को वो अपने आप से खुद डेवलप करेगा, जो लगता है कि हमारे एरिया में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे एरिया में हम इसको कोर्स को पढ़ा के बच्चों को जॉब दिला सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, लेकिन हाँ इसमें टाइम लगने वाला है, तो इस पर अभी तो हम इतनी जल्दी नहीं बोलेंगे कि चालू हो जाएगा। हाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये होता है तो एक इंडिया के अंदर एजुकेशन का सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जाएगा। इतने लोग जो अभी आ रहे एजुकेशन के बाहर है तो वो नहीं रहेंगे, और वहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा बेनिफिट है एजुकेशन थोड़ा चीप और पहले से सस्ती हो जाएगी और हमें पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट थे NEP के। और लास्ट में जो बताना है मुझे वही कि अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप कर दिया गया, आपको पता ही होगा, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर चार आपके इसके पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट है आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को। फिर है आपका नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये नाक बोलते हैं इसको, ये क्या करेगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मॉनिटर करेगी और ग्रेडिंग करेगी। फिर है आपका हायर एजुकेशन ग्राउंड काउंसिल, जैसे अभी समय आपका ये है UGC, तो ये क्या करेगा, ये ग्रांट देगा अपने कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी से जो आगे बात करें बनेंगी उसके लिए, तो ये ग्रांट देने का काम करेगा। और लास्ट में जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ना है, क्या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो। ठीक है, ये चारों के चारों वर्टिकल जब एक साथ काम करेंगे तो उसके बाद हमारे देश के अंदर जो लेवल हमने सोचा है, जो हमारा था प्लान कि धीरे 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 जो हमारा GER है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कॉलेज के अंदर बढ़ के 0.75 तक या आगे 1 तक पहुँच जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये इसी NEP का फोकस है इसके अंदर। मेरी तरफ से अभी इतना ही है, और आपको मुझसे इस बारे में कुछ अगर क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो उसके लिए मैं सेशन को ओपन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन, इट वॉज रियली वेरी इनलाइटनिंग, और हम सभी को जो NEP के बहुत सारे perspectives हैं उनके बारे में पता चला। अब हमारा जो दूसरा सेशन है दैट इज टेक्निकल सेशन, अब वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बीच टेक्निकल सेशन के लिए दो जजेस आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर KN झा सर एंड डॉक्टर SS टेकनल सर। डॉक्टर KN झा जो हैं वो, उन्हें 39 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो एज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अशोकनगर में कार्य कर चुके हैं। सर वॉज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर वॉज ऑल्सो कैरियर काउंसलर नेशनल कैरियर सर्विस कन्वीनर कैरियर गाइडेंस सेल एंड एंटरप्रीनरशिप सेल इंचार्ज TPO चीफ असेसर एंड कोऑर्डिनेटर मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स BGET इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। सर का जो वृहद एक्सपीरियंस है आज उसका हमें लाभ मिलने वाला है। सर एज अ जज हमारे पेपर प्रेजेंटर्स को जज करेंगे, तो इतनी इमिनेंट पर्सनालिटी को हमारे बीच में पाकर हम अभिभूत हैं। हम सर का स्वागत करते हैं। साथ ही दूसरे जज के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर SS टैगोर सर। डॉक्टर SS टैगोर सर वर्तमान में सहायक प्राध्यापक धर्मपुरी कॉलेज वाणिज्य विभाग में पदस्थ हैं। सर को लगभग 18 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और लगभग सर के 20 रिसर्च पेपर्स विभिन्न जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। सर देवेलिया विश्वविद्यालय के पेपर सेटिंग कार्य में और वैल्यूएशन कार्य कई वर्षों से करते आ रहे हैं और सर को कंप्यूटर के क्षेत्र और विशेषकर आयकर के क्षेत्र का काफी नॉलेज है। सर का जो अनुभव है आयकर का भरने का वो हम लोगों के बीच स्पेशली धार एरिया के जितने भी प्राध्यापक हैं हम लोग सर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आयकर रिटर्न्स में सर का जो नॉलेज है दैट इज ऑसम। तो हम ऐसी इमिनेंट पर्सनालिटी को हमारे बीच पाकर अभिभूत है। सर का भी हम स्वागत करते हैं और सर को एज अ जज हम टेक्निकल सेशन के लिए वेलकम करते हैं। डॉक्टर SS टैगोर सर, अब हमारी जो आज की पहली प्रेजेंटर है प्रोफेसर दीपा सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बुरहार। दीपा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपना प्रेजेंटेशन शेयर करके अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। दोनों टेक्निकल सेशन जजेस को मैं बताना चाहूंगी कि ये नाम अभी हमारे लिस्ट में नहीं था, मैडम काफी बिजी थी इसलिए वो अपनी कंसेंट दे नहीं पाई थी, अभी उनका नाम हमने ऐड किया है तो काइंडली ऐड दिस नेम इनटू द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट।
डॉक्टर प्रोफेसर दीपा सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बुरहार. थैंक यू सो मच सपना मैम. आई एम ऑडिबल मैम? यस मैम यू आर ऑडिबल. ओके थैंक यू सो मच. माय स्क्रीन इज विजिबल मैम? यस इट इज विजिबल. ओके शैल आई स्टार्ट? यस. ओके thank you so much sapna ma'am and many many congratulations to the entire team for organizing such a wonderful webinar on NEP. The topic of my paper is quality enhancements with technology. The reason for choosing just a minute ma'am, I want to off my videos so that the network does not get disconnected. Okay ma'am. I'll start. So the topic of my presentation is the quality enhancements with technology. With the advent of NEP, हम बहुत NEP के बारे में बात कर चुके हैं. जो दो आयाम जो मेरी समझ से मुझे लगा कि पूरी होल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर देंगे अंडर NEP आर द वेरी फर्स्ट इज द लैंग्वेज, जैसे हमको रीजनल लैंग्वेज में भी फोकस करना है, एंड द सेकेंड इज द टेक्नोलॉजी. अभी हम इन चीजों पे कम फोकस करते हैं बट NEP के एडमिट के साथ ही हमको इन चीजों पे अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म विद टेक्नोलॉजी, दिस इज द टाइटल ऑफ माय पेपर. सो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में तो वी ऑल नो दैट टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इसेंशियल टूल इन द मॉडर्न एरा. आप अगर सुबह उठने के बाद से अगर आप बात करें और रात को सोने तक आप बात करें तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से सिनेरियोज हैं जहां पे वी कांट गेट रिड ऑफ द टेक्नोलॉजी. एक्चुअली टेक्नोलॉजी हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. सो द पॉइंट इज कि अब टेक्नोलॉजी इट इज अ स्टेटमेंट दैट टेक्नोलॉजी लीड्स टू क्वालिटी लर्निंग. सो व्हाट इज क्वालिटी लर्निंग? क्वालिटी लर्निंग इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर टीचर डज नॉट एक्ट एज अ कंट्रोलर. आप अभी क्लासरूम टीचिंग करते हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, इन दैट केस यू एक्ट एज अ कंट्रोलर. बट इन द ऑनलाइन लर्निंग और इन द टेक बेस्ड लर्निंग द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. एंड नॉट ओनली दिस, देयर इज अ कॉमन गोल ऑफ लर्निंग, देयर इज अ सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम, देयर इज अ पीरियडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड मोर ओवर देयर इज लॉन्ग लाइफ इम्पैक्ट ऑफ द क्वालिटी लर्निंग. सो इट इज सेड दैट द technology can definitely play a very important part in the quality learning. So let us see the objective of my study. The very first is to find the difference between the traditional learning and the tech oriented learning. The second is to study the prevalent execution of the technology based learning, and third is to suggest the course of action which have potential to make the quality learning more effective. Let's see the learning research methodology. My type of research is descriptive. I have collected data from the secondary source and I have used case study method for the analysis. So let us see what is the difference between the traditional learning and the tech-based learning. I think we all know this as we have performed both kind of teaching before COVID and after COVID. So the very first is in the traditional learning is basically textbook oriented, where the tech-based learning is more research oriented. The traditional learning is based on teaching material, where the tech-based learning is based on the tech-based learning critical and analytical learning. The traditional learning is generally means the retention period of the traditional learning is very less as compared to tech-based learning. Ma'am, voice is cracking. No, ma'am, your voice is cracking, ma'am. Oh, okay, ma'am. You're not audible now. Ma'am. Hello, ma'am. Yes. Now it is audible, ma'am. Okay, thank you. So I'll start with the case study analysis. I have conducted
The very first is the augmented and virtual reality, and the second is mobile based learning codes. The case study has Academy. They have performed a nationwide study on how school teachers learning. So they have among that, I have taken two case studies. The very first case study is about the Muhammad Fazil, who is a teacher in Bangalore, who teaches students from 4th to 8th class. I have conducted my study by taking three parameters. The very first is the need of the technology, why they thought they should use the technology. The second is what technology they have used. And the third is the outcome. What is the result of the technology which they have used? So if I talk about the augmented versus virtual reality, the technology which is used by Muhammad Fazil, a teacher. So what Fazil undergone while after appointing as a teacher in the school, that the caliber or the excitement of student for learning was very less. So he thought about the mechanism or the process through which he can make class more exciting. So he doesn't paid any money to use any technology. He simply used the Google Apps. We all have Google Apps. If you simply go to your Gmail and scroll, bahut sare aise Google Apps hai which are free of cost. So he used that technology to make the learning more interesting. And he also used the Microsoft Kinect app, which is excellent tool for mathematics learning. And the fund which a school used to get, he purchased iPad from that fund, and 3 to 4 iPads, and the students can walk around and also do the lessons. So the outcome which they have mentioned is there was improvement in the vocabulary of the students. Earlier, as students were non-interested, they become very interested and they curiously ask many questions to the teacher. So this was the outcome. The second case study revolves around Rajni. Rajni Singh Desai, who is working as a government teacher and who educates to the students of from 1st to 4th, means the primary school students. So when he got appointment in the very remote area of Maharashtra, saw that the school in which he got appointed was used as a cattle shed. Matlab jo bahut interior area hote hain, gaon ke area hote hain, jahan pe padhai ki koi value nahi hoti hai, wo kuch aise kshetra mein unko appointment mila. So he wants to transform that thing. As matlab he cannot believe in his eyes, kyunki wo thoda sa achhe shehar se belong karte the. So what he did, that unhone puri textbook ko, you know, as we used jaise hum sahitya bhavan ki pustake use karte hain aur bhi kai sare pustake use karte hain, to unhone usko QR based books mein convert kar diya using free apps. Matlab usme bhi unhone kuch paid nahi kiya, aur unhone जितनी भी टेक्स्ट बुक थी, एज यू ऑल नो दैट हम उसको अपनी बुक्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो उन्होंने सारी टेक्स्ट बुक को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द प्रॉब्लम वाज, एज द एरिया वाज सो रिमोट कि वहां पे मोबाइल फोन्स तक अवेलेबल नहीं थे. सो बट उनके स्कूल में एक टीवी थी, टेलीविजन था. So he connected that television and displayed the whole learning material in the digital form in that television. So yahan pe what outcome he noticed, that the communication skill of this of the students got enhanced. The jo bachcho ka absenteeism rate tha, that also got fall. But jo attendance record tha wo bhi mention tha in the study. Among 30 students, 3 students used to come, 4 students used to come. After using these kind of apps, digital apps, there were the absenteeism rate was only 1 to 2%, which was very remarkable. And he also noticed that now the students used to take part, used to participate in every kind of activity which he used to conduct. So there was enhancement in the confidence of the students.
तो यहाँ पे हमने बात की कि किस तरीके से एक छोटी जगह, एक छोटे विलेज एरिया में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ केस स्टडीज। अगर हम डिफिकल्टीज की बात करें, अगर आप भी अगर डिजिटल एड यूज करना चाहेंगे तो व्हाट डिफिकल्टीज यू विल फेस, द वेरी फर्स्ट इज कि हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस टेक्नोलॉजी को अपने बोलते हैं ना टीचिंग के सेंट्रल पार्ट में लाना। द सेकेंड इज कि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है विच वी ऑल्सो फेस्ड कि जब हम गूगल मीट में अपनी क्लासरूम्स लेते थे तो स्टूडेंट्स यूज टू इंडल्ज इन अदर सोशल मीडिया एप्स लाइक व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या अपने फेसबुक चला के बैठ गए हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉटलनेक। द थर्ड इज कि अभी भी रूरल एरियाज में, विलेजेस में द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। द नेक्स्ट इज कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अगर हम वाइड वे में लॉन्च करना चाहते हैं तो इट नीड्स फंड, एंड वी हमें बहुत अच्छे से पता है कि द अमाउंट ऑफ फंड विच इज अवेलेबल इज वेरी लेस, बट स्टिल रूसा और वर्ल्ड बैंक के आने से वी हैव लॉट ऑफ फंड, सो द हायर एजुकेशन कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस। सो एक और चीज होती है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, देर इज नो मॉनिटरिंग, चाहे हम स्कूल्स की बात करें चाहे हम हायर एजुकेशन की बात करें। तो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीचर ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे दिया एंड टीचर क्लास में नहीं है। सो दिस इज नॉट अ गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, दिस इज अ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें इस चीज का भी, मतलब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज कि अभी भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ऑल ओवर द इंडिया ये नहीं है, अभी भी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है। जो टीचर्स का फोकस है वो देखा गया है, ये जनरली स्कूल एजुकेशन में होता है कि दे फोकस मोर ऑन द ट्यूशंस एज स्कूल से उनकी इनफ इनकम नहीं होती है। अगर हम बात करें कि कैसे इन सब बॉटलनेक्स को रिमूव किया जा सकता है, तो द वेरी फर्स्ट इज की जो अवेयरनेस स्टूडेंट्स में लानी चाहिए फ्रॉम द इनिशियल स्कूल डेज ओनली। द सेकेंड इज टीचर्स के लिए वेल प्लान्ड ट्रेनिंग सेशंस आपको लॉन्च करना होगा, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट अ टीचर हु हैज टॉट बाय यूजिंग अ चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड कि वो इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएंगे। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली इंडिया। तो आपको फेज्ड मैनर में उनके लिए टीचिंग सेशंस, टेक्निकल सेशंस लॉन्च करना होगा विद द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर हम उन टीचिंग मटेरियल्स को ऑफलाइन भी अगर अवेलेबल करा दें तो स्टूडेंट्स के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। नाउ द बजटरी एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और द जैसे हम अगर बात करें कि हमारे जन भागीदारी फंड से या हमारे और जो एलुमनाई है उस फंड से अगर हमें कुछ मनी मिल सके फॉर द अपडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। एक कॉमन डिजिटल पेडागॉजी डेवलप की जानी चाहिए फॉर द स्कूल एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स, एक कॉमन, क्योंकि डिफरेंट सो एंड इट शुड बी टेस्टेड कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है। एंड आवर टीचर नीड टू बी मोटिवेटेड, उनको इतना ज्यादा वर्कलोड है, इतना ज्यादा बर्डन है कि वो अपनी नॉर्मल क्लासेस भी नहीं ले पाते हैं, तो डिजिटली उस अपने पार्ट को प्रिपेयर करना और उसको मतलब ना प्रेजेंट करना कि उनके पार्ट पे भी डिफिकल्टी है, ये हमें समझना होगा। वी नीड टू गिव टाइम टू आवर टीचर जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने इनोवेशन पे टाइम। सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा फिनिश अप I would like to conclude my presentation with saying that technology has many, many advantages, and if you are able to start using technology, or if you are using technology in your day-to-day teaching or in your day-to-day life, then you can easily adapt it. And हमारे students को हमारी classroom तक लाने का, हमसे connect करने का, इससे ज़्यादा बेहतर माध्यम मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। Thank you for giving me this time and all the very best to rest other participants. Thank you, ma'am. Thanks to you, ma'am, कि आप हमारे छोटे से call पे हमारे लिए presentation के साथ मौजूद थी। Thank you very much for the wonderful presentation. बहुत ही अच्छी case studies के through आपने अपनी बात कही है। Any questions from the technical session judges? Okay, thank you, ma'am.
Now next, we have as participant, Dr. Anil Sharma, Dr. Bhavik Vora, Dr. Pranav Chaudhary from Shri Vaishno College of Commerce, Indore. The topic of the presentation is Theoretical Study of NEP 2020 of India. Anil Sharma, sir, aap ready aapne presentation ke saath? Yes, I'm ready. Okay. Kindly adhere to the time. Kindly finish it up within 5 minutes. Thank you, sir. I will try. Kindly share your screen. No, no, without screen, I will. Okay, okay. Present my papers. Turn off your presentation. So, good afternoon to everyone. So, as per my topic, the theoretical study of an education policy of 2022. First of all, I would like to explain the introduction. This new national education policy gives importance on the development of cognitive ability to each of the student, like problem solving and critical thinking, etc. And all the students not only learn, but they also learn how to learn. The pedagogy must be holistic, discovery-based, and flexible and learner-centered. The teacher are also playing a vital role in the education system. So my objective of the study, basically to find out the basic principle of the education policy 2020 and different stages of education and difference between the NEP 1996 and NEP 2020 and advantage of education 2020. So first of all, I would like to explain the basic principle of national education policy. Some basic principle of this new policy, all the students are flexible to choose the subject and are able to choose their own way along with their own interest and own talent. And second principle is the this policy find out the various capability of each student and academic as well as in non-academic area. And all the students can able to choose any subjects from the different stream and as because there is no hard separations. All the students are able to achieve the fundamental literacy by grade third, and there will be multidisciplinary study so that the student able to gain knowledge from the different areas. So now I would like to next topic, the difference between the new education policy 1986 and 2020. So first difference between the structure of education in 1986, 5 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2, but in 2020 the structure will reform and education structure is 5 + 3 + 3 + 4 + 4 + 1. And NEP 1986, in this policy the role of education is overall development of a student, but in 2020 in this policy the education is liberal along with multidisciplinary and interdisciplinary. And 1986, the duration of undergraduate program is for 3 to 4 years. But new education policy 2020, the duration of undergraduate program is for 4 years. After 1 year, the student with a diploma degree, and after 2 years, they get advanced diploma degree. And after 3 years, the student get a pass degree. And after 4 years, the student get a project-based degree. But in 1986, for university and college research, there was no actual and planned funding. But in 2020, NEP, in this policy, National Research Foundation, NRF, will fund all university and college research work. So I have so many differences, but lack of time. So I am trying to complete my topic within time. So next topic is point is some implication in NEP 2020 relating to higher education. So in private colleges, some changes had been. All private colleges can able to increase the quality of education and resource in terms of their requirement. In some small colleges, there is a problem to admit more than 3,000 students, so that student may join with similar college at same reason, and the college also may become a group with autonomous college. And if the private colleges are not able to be part of that group, then the college will ultimately close down. And second thing is the public and private college in higher education institution will not make any profit, and in institutional development they must reinvest under the direction of board of governor member.
So I have some suggestions for improvement. The most suggestion is the most important suggestion regarding to NEP. All the multidisciplinary institutions must have at least 5 disciplines. The main objective of multidisciplinary institutions is to give multidisciplinary experience and choice. Some discipline are as follow: computer science, language, social science, basic science, education, engineering, medical science, dental science, and ideological Indian medicine, etc. So in this policy, it is said that PhD will be mandatory. So there will be large requirement in PhD degree, and the demand for research guide will also increase. That's why all university must use the service of retired professor as a research guide to research scholar for the PhD course. This will remove the shortage of research guides. So at the end of, I would like to explain the conclusion of my study. The new education policy 2020, which has been approved by central government to change the Indian education system to meet the need of 21st century India. If it's implemented successfully, this new system will make India one of the world leading country. Equivalent under the new education policy 2020, children from 3 year to 18 year have been placed under the Right to Education Act 2009. The aim of the new education policy, which come after 34 years, is to provide higher education to all students, which aims to unrealize pre-primary education by 2025. So my presentation has been complete. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for the wonderful presentation. Next, we have as a participant, Dr. Snehlata Singh from Berulal Patidar PG College, Mahu. We welcome you, ma'am. Kindly start your presentation. Thank you, madam. मेरा जो आज शोध पत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मेरा जो ये शोध आलेख है वो भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिकता एवं महत्व को उल्लेखित करता है. यह एक विचारणीय तथ्य है कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था शिक्षा के क्षेत्र में. विदेशों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए भारत आते थे, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति खराब होती चली गई. मध्यकाल तक ठीक रही, लेकिन जब भारत में यूरोपीय आए, विशेषकर अंग्रेज, उन्होंने जो भारतीय शिक्षा को अपने से कंपेयर किया और उसको छोटा बताया, कम महत्व का बताया. लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 लागू की गई, इस पूरी शिक्षा ये जो कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है, जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की शिक्षा के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और साथ ही इसे भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत की न्यू पर समृद्ध भी बनाया जा सके. भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर हम अवधारणा को समझने का प्रयास करें तो आर्यन तिवारी के मैं एक कोटेशन यूज करूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक माना जाता है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, पारलौकिक, धर्म कर्म तथा भोग त्याग का अद्भुत समन्वय होता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान, दर्शन सभी को ये समेटे हुए है और ये हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो विभिन्न शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराणों, महाकाव्य ग्रंथों के माध्यम से ये भारतीय जीवन शैली के आदर्श और तत्वों को प्रतिबिंबित करती है. प्राचीन शिक्षा प्रणाली की ओर अगर हम देखें या भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देखें तो इसने सदैव सीखने पर बल दिया, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल दिया. इसमें व्यक्तियों को विद्यार्थियों को हमेशा चिंतन मनन कराया जाता था विषयों पर और इसमें जब तक विद्यार्थी पूरे निपुण और नियमित उसका अभ्यास करते थे और निपुण हो जाते थे ताकि उनको आजीविका संबंधी कोई समस्याएं नहीं होती थी. जैसा कि पहले प्रथम स्पीकर ने कहा कि भारत में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है जिससे आजीविका संबंधित कोई भी समस्या प्राचीन भारत में नहीं थी. तो हमारे यहाँ भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी आदि कई विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे. कई महिलाएं विद्वान महिलाओं का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, जैसे महिला शिक्षा का भी हमको उल्लेख यहाँ पर मिलता है.
कई शास्त्र खगोल विज्ञान पर, वैमानिकी पर, आहार शास्त्र पर, वास्तुकला, रसायन विज्ञान आदि पर लिखे गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इसमें भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन को महत्व दिया जाएगा। साथ ही इसमें ये लिखा गया है कि भारत में सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन विषयों, कौशल और क्षमताओं को आवश्यक माना गया है उसमें भारत का ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत के ज्ञान में प्राचीन भारत से प्राप्त ज्ञान और आधुनिक भारत और इसकी सफलताओं, चुनौतियों में इसके योगदान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत के भविष्य की आकांक्षाओं का एक स्पष्ट भाव शामिल होगा, ताकि छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक होगा कि वो हमारे अतीत में हुई विभिन्न देश विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति उपलब्धियों को बारे में जान सके और भविष्य में इस स्वदेशी ज्ञान की संभावना और प्रासंगिकता को समझे। भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को विद्यालय महाविद्यालय के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने से छात्र छात्राओं में हमारे साथ समृद्ध ज्ञान प्रणालियों, हमारे देश की परंपराओं से अवगत होने में महत्व मिलेगा। साथ ही इन्हें एक सांस्कृतिक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाने में, आत्मसम्मान का निर्माण करने में मदद मिलेगी। भारतीयों का दृष्टिकोण सदैव बहुविषयी रहा है और अभी भी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही कहा गया है कि आप किसी भी आपकी पसंद के विषय के साथ, आप कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, सभी विषयों का विद्यार्थी चाहे वो अध्ययन कर सकता है। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिकता को देखें तो आप लोगों को सभी को ये पता होगा कि हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, होम्योपैथी है, ये जैसे उपचार जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और जबकि ये भारत में पुरातन समय से विद्यमान है। भारतीयों ने अपने जड़ी बूटियों, नीम, हल्दी, गौमूत्र के महत्व को आप समझ रहे हैं जबकि विदेशों ने इसको पेटेंट करवा लिया। योगा जब आया, योगा के नाम से आया तो लोग इसके भारतीय ने तब अपने योग के महत्व को समझना प्रारंभ किया जबकि हमको हड़प्पा काल से ही योग के प्रमाण मिलते हैं। और भारतीय संस्कृति के बहुत जो ध्येय वाक्य है कि वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, बहुजन हिताय, बहुजन सिखाय, अहिंसा परमो धर्म, ये सारे वैश्विक चिंतन की प्रकृति के द्योतक हैं। और मुझे लगता है कि जो भी हमारी वर्तमान समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं या वैश्विक जो समस्याएं हैं, युद्ध और विश्व शांति की जो भी बातें हैं, सस्टेनेबल अगर हम बात करें, सतत विकास की बात करें, तो ये सारी चीजों का समाधान भारतीय ज्ञान परंपराओं की विभिन्न शाखाओं में हमको मिलता है। और अगर हम उसका पालन करें तो हमें लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्व दिया गया है उसका पालन अगर हम सभी शिक्षक, माता पिता और जो भी इससे जुड़े हुए हैं लोग हैं, विरासत को संभालने में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर इसमें मिलजुल कर काम करें तो हम निश्चित रूप से जो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विचारधारा का उल्लेख किया गया है तो हम इसमें सफल हो सकेंगे और पुनः हम विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होंगे और एक वैश्विक नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। थैंक यू मैडम। साथ में आपसे एक मिनट में चाहूंगी क्योंकि सरदारपुर जो शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज है, सरदारपुर राजगढ़, वो मेरे शिक्षण स्थली रही है और मेरे शासकीय सेवा की प्रथम पोस्टिंग रही है, तो मैं सबसे पहले अपने प्राचार्य, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल एस अलावा सर को प्रणाम करती हूँ, वरिष्ठ प्राध्यापिका सरिता जैन मैडम को, प्रोफेसर आर के जैन सर को, मुजालदा सर को, दास मैडम को, रावत सर को और साथ ही में सभी को मेरा सादर प्रणाम है, शैक्षणिक अशैक्षणिक सभी स्टाफ को, रंजना मैडम को एंड सपना कासलीवाल मैडम को जो बहुत मेहनत कर रही है और दिख रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। थैंक यू सो मच मैडम। It is our privilege to have you as our presenter. Thank you so much, ma'am. Next, we have as our presenter Dr. Nilesh Mahajan from BKSN Government College, Shajapur. I request Nilesh Mahajan sir to share his screen. Sir, मुझे share करना है क्या आपके लिए screen? नहीं madam, requirement ही नहीं है आज वैसे share करने की।
ओके मैं शुरू कर सकता हूँ जी। थैंक यू सपना मैडम जी। आज का जो वेबिनार है उसमें जो बुक चैप्टर मैंने तैयार किया है उसका शीर्षक है नवीन शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा। हालांकि इस पर बात हो चुकी है, उसी बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं शुरू करता हूँ। भारत के शैक्षणिक पर्यावरण को वर्तमान दशाओं के अनुरूप विकसित किए जाने की आवश्यकता हमारे यहाँ लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1986 में लागू की गई जो शिक्षा नीति थी उसके जो प्रावधान थे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गए थे, और यही कारण था कि विभिन्न नवाचारों के साथ में वर्ष 2020 में नवीन शिक्षा नीति को लागू किया गया। हम यहाँ पर नवाचारों की बात कर रहे हैं, और इन्हीं नवाचारों में एक नवाचार है शिक्षा का बहुविषयक दृष्टिकोण। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको पूर्ण तरीके से नया दृष्टिकोण कहना गलत होगा, क्योंकि यदि हम हमारे प्राचीन इतिहास में झांक कर देखें, वैदिक काल की बात करें, तो वहां पर भी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के संयोजन की परंपरा मौजूद थी। अभी पूर्व में बताया गया है हमारे जो प्राचीन साहित्यकार थे बाणभट्ट, उन्होंने कादम्बरी में 64 कलाओं के ज्ञान को अच्छी शिक्षा के रूप में परिभाषित किया था। इन 64 कलाओं की यदि बात की जाए तो इनमें शामिल थी गायन, चित्रकला, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, पेशेवर शिक्षा और बहुत सारी अन्य। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने समय से हमारे यहाँ पर विषयों के संयोजन की परंपरा रही है। लेकिन बाद में हुआ यह कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये जो बहुविषयक चीजें थी इसको थोड़ा सा भुला दिया गया। हमारी जो 1968 की पॉलिसी थी, 1986 की जो पॉलिसी थी, उसमें संकायवाद दृष्टिकोण को लागू किया गया। तो धीरे धीरे यह जो चीज थी ये धीरे धीरे पीछे चली गई। जब 2020 आया और नए परिदृश्य में हमको लगा कि अब इस दृष्टिकोण को नए सीधे से तर्कसंगत रूप से लागू करने की आवश्यकता है, तो बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण हमारी नवीन शिक्षा नीति में शामिल हो गया। यदि मैं इस दृष्टिकोण की बात करूं तो इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इसका विश्लेषण करना है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि इससे जुड़े जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो नवीन शिक्षा नीति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वे इस दृष्टिकोण को अच्छे से समझें और इसका अधिक से अधिक फायदा ले सकें। भविष्य शिक्षा दृष्टिकोण की यदि मैं बात करूं तो यह एक ऐसी पहल है जो छात्रों को एक साथ विभिन्न विषयों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत छात्र अध्ययन के लिए एक साथ विभिन्न विषयों को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। तो यह भविष्य दृष्टिकोण का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि इसके अगले बिंदुओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुविषयक शिक्षा के साथ में क्रेडिट अर्जन भी संभव है, क्योंकि आपको पता ही है कि नवीन शिक्षा नीति में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, और आप जो भी अध्ययन करते हैं उसके आपको क्रेडिट अर्न होते हैं, जिसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च डिग्री आपको मिल सकती है। यदि हम आगे जाएं तो भविष्यक शिक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत वोकेशनल पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। जी हाँ, आजकल विद्यार्थियों को अपने संकाय के विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनमें कौशल क्षमता का विकास हो सके। यही कारण है कि वोकेशनल शिक्षा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस बहुविषयक दृष्टिकोण की एक और खासियत है यहाँ पर नवीन शिक्षा नीति की, यहाँ पर एकाधिक प्रवेश और निर्गम की स्वतंत्रता है। मतलब विद्यार्थी कभी भी यदि अपने कोर्स को छोड़ता है तो बाद में वो इसको पुनः ज्वाइन कर सकता है और कभी भी इसमें सीख सकता है। इसका मतलब यह है कि यह सीखने को किसी बंधन में नहीं बांधती है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता को लेकर चलता है कि हमें विद्यार्थियों में विविध क्षमताओं का विकास करना है। क्षमताएं ऐसी कि उनमें रचनात्मकता भी हो, व्यावहारिक समस्याएं जो आती है उनका समाधान करने की भी उनमें क्षमता हो, उनमें बौद्धिक तर्क वितर्क करने की भी क्षमता हो, उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हो, और साथ में सहयोग हुआ, प्रेम हुआ, शांति हुआ, जो नैतिक मूल्य होते हैं वो भी उनमें समाहित किए जा सके। साथ ही हमारा बहुविषयक दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि विद्यार्थियों में सॉफ्ट स्किल्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जी हाँ, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल होना चाहिए उनमें साथ में उनमें समूह भावना होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। यदि हम भविष्य शिक्षा के दृष्टिकोण के और फायदों की बात करें तो इसमें शोध और अनुसंधान की असीम संभावनाएं निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संयोजन हुए हैं और उन संयोजनों से शोध अनुसंधान का क्षेत्र भी हमारा बड़ा है। पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। भविष्य शिक्षा के दृष्टिकोण को शामिल करने से शिक्षा में लचीलापन आया है, लोच आई है, साथ में रचनात्मक संयोजनों को बल मिला है।
और एक चीज और हुई है कि हमारे यहाँ के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इनको भविष्य शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से इनमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का विकास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भविष्य शिक्षा दृष्टिकोण निश्चित रूप से नवीन शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। हालांकि मैं कह दूं कि भविष्य शिक्षा दृष्टिकोण के संबंध में हमने काफी सारे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं, अच्छे बिंदु देखे हैं, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। भविष्य शिक्षा दृष्टिकोण को लागू करने में बहुत सी चुनौतियां भी है और इन चुनौतियों में मैं सबसे पहले बात करूंगा आधारभूत संसाधनों के अभाव की। जी हाँ, हम आप लोग कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, यहाँ के जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास उन्नत प्रयोगशालाएं नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भवन नहीं है, हमारे पास इंटरनेट की निर्बाध सुविधा नहीं है, साथ ही साथ पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ भी नहीं है। स्टूडेंट टीचर रेशो देखो तो बहुत ही कम दिखता है हमें, तो वो बहुत ही एक दिक्कत वाली समस्या है। इसके साथ में अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति जब आ रही है इसमें बहुत सारी सूचना संचार तकनीक के उपकरणों का उपयोग हो रहा है, बहुत सारा डेटा मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, स्टाफ को ट्रेन करने की भी जरूरत होगी, इसका अभी हमारे यहाँ पर अभाव दिखता है। कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पे जो बच्चे फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सामुदायिक जुड़ाव आदि से जुड़ना चाहते हैं, उनको छोटी छोटी जगह पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको कोई ये काम करवाने के लिए हामी नहीं भरता है, सिग्नेचर करने से कतराते हैं। इसके साथ यदि हम बात करें तो हमें टाइम टेबल मैनेज करना है, हमें परीक्षाएं करवाना है, उनका मूल्यांकन करना है, इसमें भी हमें बहुत सारी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी पिछड़ापन हमारे यहाँ की समस्या है, उसको भी हमें यहाँ पे चुनौती के रूप में हम देखते हैं। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा विविधता ठीक नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। इस नवीन शिक्षा नीति में बहुविषयक दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह भी होता है कि विद्यार्थी किसी एक विषय में पारंगत नहीं हो पाता है और उसको सभी विषयों का थोड़ा 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 ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी इसकी एक सीमा है कि यदि हम बहुत से विषयों में अपने पैर फैलाना चाहते हैं तो कहीं पर भी हम अपनी विशेषज्ञता को प्राप्त नहीं कर पाते। और एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही पते की बात कि अभी हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों में स्व प्रेरणा का अभाव है, सेल्फ मोटिवेशन का अभाव है। हमारे आज के विद्यार्थियों को देखें तो इंटरनेट और स्मार्टफोन के जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि बहुत जल्दी वो भटक जाते हैं। वो स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा का उपयोग तो पढ़ने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन हाथ में आता है तो पढ़ाई के अलावा वो सारी जगह पे घूम आते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो ये जो भटकाव है ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि भविष्य शिक्षा दृष्टिकोण के यदि लाभ हैं तो इसकी चुनौतियां भी काफी सारी हैं। मैं अपने प्रस्तुतिकरण को संक्षेप में, सार संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारांश के रूप में या निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति 2020 की जो पहल है, यह विद्यार्थियों को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने की है जो 21वीं सदी में भारत की अमूल्य संपत्ति बन जाए और जिनके बलबूते पर भारत वैश्विक नक्शे पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाए। और यही कारण है कि इसके अंतर्गत भविष्य शिक्षा के साथ में पेशेवर शिक्षा, सॉफ्ट स्किल्स, वोकेशनल पाठ्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, सभी का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। यही नहीं, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह भी माना गया है कि सीखने को किसी बंधन में बांध कर नहीं रखा जा सकता। कोई भी कभी भी कुछ भी कभी भी कैसे भी और कहीं से भी कभी तक भी सीख सकता है। केवल सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम मानते हैं सफलता की राह में चुनौतियां भी है, लेकिन सरकार और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। आधारभूत सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं का विकास, योग्य शिक्षकों की भर्ती, समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, तकनीकी विकास और सबसे महत्वपूर्ण सीखने सिखाने की अभिप्रेरणा देकर हम भविष्य शिक्षा के इस प्रयास को सफल बना सकते हैं और देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं। आपने मुझे यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का मौका दिया। आदरणीय सपना मैडम को, पूरी टीम को, महाविद्यालय परिवार को, सभी विशेषज्ञों को, सभी निर्णायकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में हमारा जो आज एक महत्वपूर्ण मिशन है भारत का चंद्रयान 3, उसकी सफलता की कामना करता हूँ कि हम इस क्षेत्र में भी सफल हों और वैश्विक पटल पर अपना नाम दर्ज कराएं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक क्वेश्चन है हमारे टेक्निकल सेशन जज केन झा सर का, हाउ टू इंटीग्रेट इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन विद करंट एजुकेशन करिकुलम। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक मैं समझता हूँ इसके लिए हम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यदि हम अपने अपनी भारतीय संस्कृति को समझेंगे, अपने ज्ञान को समझेंगे और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे और वो चीज हम जब भी हम पढ़ाएं उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपनी टीचिंग में भी इंक्लूड करें, अपने स्टूडेंट्स को भी वहां तक हम पहुंचाएं, तो ऐसा करके हम, मुझे लगता है कि इस चीज को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू। एक्चुअली ये मेरा प्रश्न जो है पिछले वाले पार्टिसिपेंट से था, खैर आपने एक्सप्लेन की, अच्छी बात है और थैंक यू सर, आपका अच्छा मतलब कवरेज बढ़िया है। एक्चुअली हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या है, ये तो ठीक है जानना, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, हम अपने आप को कैसे अपडेट और इनोवेट करेंगे, क्योंकि इनोवेशन की बात होती है तो इनोवेशन कम्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स रोल। स्टेक होल्डर्स सबसे एनईपी में भी जो आइडेंटिफाई किया है वो फैकल्टी एंड टीचर्स को माना है, मैं स्टूडेंट्स को भी जोड़ रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, सबको बदलना पड़ेगा और कैसे बदलेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, और जितना इसको हम रिस्पॉन्ड प्रॉपरली करेंगे उतने ही हमारे बेनिफिट्स रियलाइज होंगे। केवल पॉलिसी अच्छी होने से पर्याप्त नहीं है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है और वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो थोड़ा फोकस इस पर हम लोग करना चाहिए अपने लेक्चर के दौरान, व्याख्यान दौरान, कि हम लोग प्रकार से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Nilesh Mahajan, sir. Now, next we have as our participants Professor Kapil Tare from Choitram College of Professional Studies, Indore. Professor Kapil Tare. Thank you, madam. Myself, Professor Kapil Tare, and I am presently working in Choitram College, and I am presenting my research paper on tech-enabled reforms. Was just what I am sharing my presentation. Ma'am, my presentation is visible? Yes, sir, it is visible. Thank you. So, first of all, this is my agenda outline of the my research paper, that is first start with abstract introduction. Sir, sorry to interrupt. Kindly be bilingual. थोड़ा सा हिंदी-इंग्लिश का मिक्सअप रखिएगा, प्लीज. तो ये जो मेरा रिसर्च पेपर है इसके अंदर मैंने जो आउटलाइन ली है it includes the abstract introduction and digital framework for NEP implementation, and then components of digital framework, challenges in this implementation, and then recommendations, and then conclusion with main references. तो basically ये जो मेरा research paper है इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, यह एक ऐसा framework मैंने यहाँ पर suggest किया है जो NEP के अंदर जो बेसिकली टेक रिफॉर्म्स हमको चाहिए या किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके एनईपी को और बेटर कर सकते हैं, और स्पेशली मैंने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया है वो हमारे एमपी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उनको लिया है। तो यहाँ पर जो इस पेपर के माध्यम से मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से हम इसको मिक्सअप करके और एनईपी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइंडिंग्स यहाँ पर जो मुझे मिली है वो हमने यहाँ पर कुछ की फैक्टर्स यहाँ पर लेके आए हैं जो हमारे डिजिटल इंटीग्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे और इफेक्टिव बनाएंगे कि ये डिजिटली इंटीग्रेट हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारी फैकल्टी से, स्टूडेंट से, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमको एनईपी के लिए चाहिए वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके वो सब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे एनईपी को किस तरह से बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इस पेपर का आउटकम रहेगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर यही बताया है कि जब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एनईपी में लेके आएंगे, या जैसे अभी हम लोग जब मीटिंग्स करते हैं या क्लासरूम में क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने कोविड के बाद ये देखा
कि एक प्रकार से जो डिजिटल ट्रेनिंग है या जो डिजिटल क्लासरूम के थ्रू जो ट्रेनिंग होती है या जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका भी एक बहुत ही अपना महत्व है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि पेंडेमिक के दौरान हम उनको यूज करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई हमारे ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हमारे स्टूडेंट्स उनसे जुड़ें, या ऐसे हमारे पास में जो टेक्स्ट मटेरियल्स हैं या हमारे पास जो बुक्स हैं ऐसे कुछ रिसोर्सेस हैं जो कहीं और रखे हुए हैं और उन रिसोर्सेस को हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। तो कुल मिलाकर इसमें हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नीड होती है, तो इससे ये होगा कि हमारा जो NEP बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी को भी ब्लेंड किया जाएगा तो इट विल बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस्ट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। दिस इज द फ्रेमवर्क विच आई हैव यूजिंग एज अ मेथडोलॉजी फॉर माई रिसर्च पेपर। मैंने ये एक ड्रॉ करने का कोशिश किया है जिसके अंदर मैंने सबसे पहले एक एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सजेस्ट किया है जिसके अंदर हमारी मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स हो सकती हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हो सकते हैं, एज वेल एज हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा, और इन सभी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट्स हुए। इसके अलावा हमारा जो एजुकेशनल कंटेंट रहेगा वो भी हमें एक नेटवर्क पर रखना पड़ेगा जिसमें ई टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकता है और इंटरेक्टिव सिमुलेशंस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स इसके अंदर किसी एनवायरनमेंट को सिमुलेट होता हुआ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे कुछ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हम हमारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, एज वेल एज इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल कंटेंट को जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा ब्लेंडेड लर्निंग से जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की लर्निंग ले सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम्स रहेंगे जिसमें हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कंटेंट दे सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग रहेगी, कोई स्टूडेंट को पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंदर हमको अच्छा बनाना है तो वो हम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगी, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन रहेंगे, एज वेल एज हमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करना रहेगी क्योंकि डिजिटल टूल्स हैं तो हम सभी को ट्रेन कर सकते हैं इसके लिए। ICT टूल्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स रहेंगे और ऑनलाइन टूल्स रहेंगे जो जैसे सपोज गूगल क्लासरूम हुआ या ऐसे कई सारे टूल्स होंगे जिनसे हम लोग हमारी क्लास को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारा एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क अगर जब मिलता है NEP को तो ये पूरा इसका एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, इसी को मैं यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूँ। अब इसके जो कंटेंट है मैंने आपको बताई दिए, हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी है, कंप्यूटर लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ये सभी हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं इन चीज़ों को, डिजिटल डिवाइसेस हैं, ई टेक्स्ट बुक्स हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं या किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव टूल्स रहेंगे, ओपन एजुकेशनल मटेरियल्स रहेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग रहेगा, फ्लिप्ड क्लासरूम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड टीचर ट्रेनिंग जो मैंने अभी इस कंपोनेंट में आपको यहाँ पे मैंने बताया है। आफ्टर दिस देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे हमको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मिलता है कि कई बार हम लोग या कई ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसमें एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी टीचर्स को ऐसा फीलिंग आ सकती है कि इन नए टूल्स के साथ वो ओवरहैंड फील कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कई बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरफ इन टूल्स को सीखने का भी एक टेंशन होता है कि किस प्रकार से इनको हम यूज़ करेंगे और सिखाएंगे। आफ्टर दैट थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमको लाना पड़ेगा क्योंकि सारे जो एजुकेटर्स हैं हो सकता है वो डिजिटल टूल के साथ फेमिलियर ना हो, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ सकती है। और इसके बाद में जैसे भी पहले बात चली रही थी कि एक रिलायबल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल हो पाए। तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस हैं पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाना पड़ेगी जिसमें एक रोबस्ट ट्रेनिंग होगी, कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलेगा और एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि टेक एनेबल्ड लर्निंग को कैसे किया जाए। इसके अलावा हमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना पड़ेंगे जिसमें हम अलग अलग लेवल्स पे स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको उनकी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके थ्रू हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हमें जो टेक्नोलॉजी है वो सभी लोगों को मिल सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना रहेंगे जो एजुकेटर्स को एम्पावर करेंगे, एज वेल एज जो पॉलिसी मेकर्स हैं
जो पॉलिसी का निर्माण करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को एक साथ इस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि ये बहुत बेटर हो पाएगा। इसके अलावा हमको एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को कोलेबोरेशन करना पड़ेंगे, जिससे ये लैंडस्केप और बढ़े। फिर कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रख सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल पर ट्रेन कर सकते हैं। और एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें हाई क्वालिटी के डिजिटल रिसोर्सेज रहेंगे, टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, ई टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल, इंटरेक्टिव सिमुलेशन हो सकते हैं, जो हम एक जगह रख के सारे स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज ए कंक्लूजन मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरी स्टडी का जो एक फाइंडिंग है वो यही है कि अगर हम एनईपी को एक बहुत अच्छी तरह से और टेक्निकली एनेबल्ड फॉर्म है, ऑल द एनईपी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली एनेबल्ड फॉर्म में रखें, जो ओमनी प्रेजेंट रहेगा, जो बाउंड्रीज को खत्म करेगा, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी टीचर से या बुक से शिक्षा ले सकता है, तो इसके लिए हमें इन सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एज ए ब्रिज यूज करके और ये जो गैप है इसे हमें मिटाना पड़ेगा, जिससे हमारी एक पीडागोगिकल जो अप्रोच है वो बढ़ेगी और डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। एंड दीज आर सम मेन रेफरेंसेस एंड थैंक यू। यदि किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। अब नेक्स्ट एज अ पार्टिसिपेंट वी हैव डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता फ्रॉम सारंगपुर कॉलेज, सारंगपुर। सर रेडी है? यस मैडम। यू कैन स्टार्ट। मैं शेयर करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, प्लीज बताइएगा जब शेयर होने लगे। सर अभी तो शेयर नहीं हुआ, नहीं थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे साइड पर। यस इट इज प्रेजेंटिंग नाउ। ओके दिस प्रेजेंटिंग नाउ। थैंक यू सो मच मैम। सभी को सादर नमन। मैं डॉक्टर दिलीप गुप्ता, गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद कॉलेज सारंगपुर से। मेरा टाइटल है उच्च शिक्षा की चुनौतियां एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सॉरी टू इंटरप्ट, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा, स्क्रीन दिख रही है आपकी, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। जस्ट मिनट मैम, मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूं मैम, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे इधर, अब शायद आपको विजिबल होने लगे। ओके यस इट इज विजिबल नाउ। ओके यस मैम, तो मेरा टाइटल है उच्च शिक्षा की चुनौतियां एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रेजेंटेशन आपको विजिबल हो रहा है मैम? यस सर। ओके, जैसा हम सब जानते हैं देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। देश के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा देश होने के नाते दुनिया की हमसे अपेक्षाएं बहुत है, ज्यादा है। उभरती हुई वैश्विक शक्ति महाशक्ति बनने की ओर भी यह देश अग्रसर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पिछले एक दशक में हम देखते हैं कि ज्ञान के वैश्विक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा है और इसी परिदृश्य में हमें भी अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में, हमारे अपने यहाँ की शैक्षणिक सुविधाओं में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि हमारा शैक्षणिक परिदृश्य भी बदले, क्योंकि बेहतर शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए अपितु समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार होती है। अतः शिक्षा में सुधार लाना, व्यापक रूप से इसमें परिवर्तन आना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी था। एक समयोचित शिक्षा नीति युवा की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करती है, उन योग्यताओं को उभारती है और राष्ट्र के विकास को एक गति प्रदान करती है। इन सब स्थितियों में हमें ये आवश्यक था कि हम एक नई शिक्षा नीति की ओर बढ़ें। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विस्तार और गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी पहल है। निश्चित ही इससे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में व्याप्त चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। मैंने जो बुक चैप्टर तैयार किया है ये मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों को लेकर तैयार किया है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, यह जान सकें, यह ज्ञात कर सकें। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु
जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके प्रावधान किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं उनका अध्ययन कर पाए और हम इस नीति को किस तरह से प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्रियान्वित कर पाएंगे, इसके लिए भी सुझाव प्रस्तुत करना इस बुक चैप्टर के उद्देश्य रहे। प्रविधि, इसके लिए मैंने बेसिकली द्वितीय जो समंक है, ओके मैम, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं, अदरवाइज फिर अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो प्लीज इसी को कंसीडर कीजिएगा। Should I present on behalf of you? चलेगा मैम, बिल्कुल, मैंने आपको शेयर किया है प्रेजेंटेशन। ओके, मैं करती हूं जी, आप अपनी शेयरिंग बंद कीजिए। तो इस पूरे बुक चैप्टर को तैयार करने के लिए मैंने सेकेंडरी डाटा का उपयोग किया है और सेकेंडरी डाटा बेसिकली जो भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से वहीं से लिया गया है, कुछ डाटा हमें कुछ विभिन्न साइट्स से भी प्राप्त हुआ है। उद्देश्य जो हमारे इस बुक चैप्टर के हैं उसके अकॉर्डिंग हमने शोध डिजाइन वर्णनात्मक प्रकृति का रखा है। भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, पहले हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम इसके जो नई शिक्षा नीति आई है उसके प्रावधान, चुनौतियों और क्या सजेशंस हमारी तरफ से दिए गए हैं उनको हम जानेंगे। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र, जैसा हम जानते हैं, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है। विगत 75 वर्षों में, हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 77 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो लास्ट 75 ईयर्स में हमारे देश में सुविधाएं बढ़ी है, नो डाउट। हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1084 विश्वविद्यालय हैं, लगभग 42,343 महाविद्यालय हैं, जिनमें 77% में इमारतें बनी हुई हैं विश्वविद्यालयों में, 76% में उनके पास अपने खुद की बिल्डिंग्स या भवन हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 95% विश्वविद्यालयों और 89% महाविद्यालयों के पास लाइब्रेरी है, लगभग 84% विश्वविद्यालय और 68% महाविद्यालयों के पास प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि आधारभूत सुविधाओं में धीरे धीरे विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, बावजूद उसके हमारे देश में आज भी शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, रिक्त हैं, और उन रिक्त पदों की वजह से शिक्षा देने वाले अगर लोग नहीं होंगे तो ये सारे संसाधन किस काम के क्या करेंगे। लगभग 1,43,000 पद यहाँ रिक्त हैं, हमारे यहाँ की रिपोर्ट ये भी बताती है। 2020 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि राज्य विश्वविद्यालयों में लगभग 45,000 अतिथि संकाय पद रिक्त थे, प्रयास किए गए लेकिन फिर भी इनको फुलफिल नहीं कर पाया गया। शिक्षक छात्र अनुपात बहुत बुरी स्थिति में है, ये हमारी रिपोर्ट कहती है। भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियां क्या है, अब हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 34 वर्ष से एक जैसी शिक्षा प्रणाली प्रचलित रही। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई और उसके बाद 34 वर्षों तक लगातार यही शिक्षा प्रणाली चलती रही। छात्र शिक्षक अनुपात बहुत असंतुलित अवस्था में है। यदि हम देखें तो शासकीय महाविद्यालयों में एक एक क्लास में 400-500 बच्चे हैं, लेकिन टीचरों की संख्या अगर देखें तो बहुत कम है। शिक्षा में बढ़ता व्यवसायीकरण आजकल दिख रही है। निजी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ऐसी स्थिति बन रही है कि जिनके पास ज्यादा संसाधन हैं वे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लेते हैं और आसानी से डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो बढ़ता व्यवसायीकरण है, निजीकरण है, ये दुखदायी स्थिति में पहुंच चुका है। 70% संस्थान हमारे यहाँ के निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ। लंबे समय से एक समान पाठ्यक्रम चल रहा है, यदि पाठ्यक्रम नहीं बदला जाएगा या नहीं बदला जाता है तो फिर हम दुनिया के साथ जो परिवर्तित अवस्था में आई है दुनिया, हम अपने आप को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाते। 34 सालों से एक जैसी शिक्षा प्रणाली और लगभग एक जैसा पाठ्यक्रम, ये हमारे यहाँ की चुनौतियां थी शिक्षा व्यवस्था की। समय की मांग और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम में कोई तालमेल नहीं। उद्योग हमारे चाहते क्या है और हम उनको या विद्यार्थियों को शिक्षा दे क्या रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी शिक्षा नीति के समक्ष थी। उच्च शिक्षा ने केवल अर्धशिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी की है, यहाँ से लोग डिग्रियां लेकर निकल जरूर रहे हैं लेकिन वे किसी
बहुत हद तक ज्यादातर स्टूडेंट्स इस अवस्था में होते हैं कि वे किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी जॉब के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो उसके योग्य नहीं होते हैं। बुनियादी शिक्षाओं के सुविधाओं के बिना ही हमारे यहाँ के अधिकांश महाविद्यालय चल रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ये भारत जैसे बड़े देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है, लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो एक इंजीनियर निकलने के बाद भी शायद उसकी एबीसीडी नहीं जानता। ये स्थिति हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की थी। गुणवत्तापूर्ण और नवाचारों की यहाँ भारी कमी है। उसका परिणाम ये रहा है कि हमारे यहाँ अनुसंधान बहुत नाम मात्र के होते हैं। प्रोफेसर यशपाल का मानना था कि जिन शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो ना तो शिक्षा का भला कर पाते हैं और ना ही समाज का। आवश्यकता इस बात की है कि हमें शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा वर्तमान में क्या स्थिति है, वो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 2020 लागू हो चुकी है, इसमें ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिसकी वजह से ये जो चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी, समस्याएं थी, उनको दूर करने में सुविधा में हो। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत में लागू हुई। उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ना। इस नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से धर्म, लिंग, जाति और पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो, ये प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। समावेशी शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जो कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्तियों के प्रावधान इस शिक्षा नीति में भी किए गए हैं। शिक्षा रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे महसूस होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वो है कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा को रोजगारों से जोड़ने के लिए, रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता थी। एनईपी में इसको शामिल किया गया है। ये इस उच्च शिक्षा नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सका तो जो कमियां हम देखते थे उनको दूर करने में सुविधा मिलेगी। इसी बीच इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ये सब चीजें भी, या फील्ड प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये नवीन शिक्षा नीति में बहुत अच्छी चीजें हमें नजर आती हैं। शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, शैक्षणिक ऐप, डिजिटल क्लासरूम, इन सब के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है। ये समय की मांग भी थी और नवीन शिक्षा नीति में इन सबको शामिल किया भी गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये कैसे होगा, ये हमारे लिए एक चुनौती है। क्योंकि 2021-22 की हम बात करें तो सिर्फ 3.1% ही हम शिक्षा पर खर्च कर पाए थे। 17-18 में ये 2.7% खर्च हो पाया था। मतलब स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक प्रयास है कि 6% यदि खर्च शिक्षा पर होगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा की दिशा और दशा बदलेगी। बदली हुई परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा को लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसमें इस नई शिक्षा नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है और एमफिल को बंद करके 6 साल की डिग्री प्रोग्राम भी पीएचडी के लिए लागू किया गया है। तो इस तरह से नवीन शिक्षा नीति में हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजों को शामिल किया गया है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि हमारी जो समस्याएं, जो चुनौतियां पहले से हम देखते आए हैं, उनको दूर करने में ये मदद करें। कुछ सुझाव किस तरह से हम नवीन शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकते हैं, इस शोध पत्र के माध्यम से मैंने देने के प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी सफलता किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स इसमें अपना सहयोग नहीं देंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे विशेषज्ञ हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, छात्र हो, पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम डिजाइन करने वाले लोग हों, इन सबको मिलकर अपना योगदान देना होगा। यदि ऐसा होगा तो ही इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पद खाली पड़े हुए हैं, इनमें योग्य शिक्षकों की भर्ती बहुत जरूरी है। शैक्षणिक संस्थाओं का पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है और निजी संस्थाओं को या विभिन्न शासकीय संस्थाओं को भी स्वायत्तता प्रदान की जाए कि वे स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित कर सकें। छात्र के समग्र विकास के लिए अन्य गतिविधियों को भी महत्व देना चाहिए, इसका प्रयास इस शिक्षा नीति में किया भी गया है। साथ ही साथ नवाचारों का एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र निश्चित किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हो, और इस हेतु उद्योगों की, शिक्षण संस्थाओं की, इनकी आपस में मदद ली जाना चाहिए, इनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर यह शिक्षा नीति प्रभावी होगी। कुछ चीजें और जो मैंने महसूस की है कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति काफी हद तक तब सफल हो सकती है जबकि तीन प्रमुख अंगों, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों में सामंजस्य बिठाया जा सके। यदि इन तीनों
से है तो ही ये शिक्षा नीति प्रभावी हो सकेगी और उच्च शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर कर सकेगी। महाविद्यालय में प्रशिक्षित प्राध्यापकों की कमियों को दूर करना होगा। एक महत्वपूर्ण कमी जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ प्राध्यापक है भी तो उन्हें किन कार्यों में लगाया गया है, लिपिकी कार्यों से उन्हें भी पा रहा है। उनका मूल कार्य शिक्षण कार्य है लेकिन शिक्षण कार्य में अभी भी वे अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, ये एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। महाविद्यालय बड़े बड़े बना दिए गए हैं लेकिन ये अधिकांश महाविद्यालयों में हम देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ने को इच्छुक नहीं है या वो आ नहीं रहे हैं या हम उनको यहाँ तक खींच लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हमें विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि विद्यार्थी किस तरह से इन रिक्त पड़े महाविद्यालयों की शोभा को पुनः बढ़ा सकें या इनमें जान ला सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित तौर पर यह शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी, ये हमें उम्मीद है, अपेक्षा है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत हो चुका है, कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने में सफल होगी। एक आशा, एक उम्मीद हमें है कि 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप इस नई शिक्षा नीति से देश में मूल्यपरक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा और को बढ़ावा मिल पाएगा, भारतीय शिक्षा पुनः अपने स्वर्णिम काल की ओर लौट पाएगी। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया अपना पेपर प्रेजेंट के लिए, और सभी को सादर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और हमारा प्रिविलेज था कि आप का पेपर हमारे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वी हैव एज प्रेजेंटर डॉक्टर मीनाक्षी राठी, अ वेल नोन नेम इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वी वेलकम यू मैम, काइंडली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच मैडम, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम आ रही है जी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले आपके कॉलेज के सभी फैकल्टीज को, पूरे स्टाफ को और पूरे महाविद्यालय को इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी मैम। इट इज अ वंडरफुल एफर्ट एंड अ फ्लॉलेस वेबिनार, बिकॉज यूजुअली कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, तो मैम यू हैव कंडक्टेड इट वंडरफुली एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड द एंटायर स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज। मैम आई एम शेयरिंग माई प्रेजेंटेशन, आप प्लीज बताइएगा कि वो प्रेजेंटेशन विजिबल है या नहीं है। Ma'am, is this visible? Yes, ma'am, it is visible now. You can start. Yeah. थैंक यू सो मच मैम, एंड आई सभी को मेरा नमस्कार। इस नेशनल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, और आज का जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है विच इज डिजिटलाइजेशन थ्रू ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स। अब अभी अभी मैं बहुत सारे वक्ताओं को सुन रही थी, एवरीबडी हैज गिवन देयर यू नो बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू किया गया, उसका क्रियान्वयन। मेरा टॉपिक थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, विच इज किस प्रकार हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक अपॉर्चुनिटी बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेकिंग रूरल इंडिया अ बेटर इंडिया। सो द टॉपिक इज डिजिटलाइजेशन थ्रू ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स, एनईपी एंड अपॉर्चुनिटी बॉक्स फॉर रूरल इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। जो रिसर्च की अगर मैं एजेंडा या आउटलाइन की बात करूं, सो रिस्पेक्टेड ऑल, फर्स्ट आई विल बी डीलिंग विद द व्हाट एग्जैक्टली इज ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है, उसकी बात करेंगे हम। किस प्रकार के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं रूरल इंडिया में, जो ग्रामीण परिवेश जो है, हम वहाँ की शिक्षण प्रणाली कैसी है, वहाँ हम किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं एनईपी के तहत या आईसीटी टूल्स को इस्तेमाल करके, हम क्या वहाँ चेंजेस ला सकते हैं, और हायर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है MHRD, उसके द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या हम उन इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करके रूरल इंडिया में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कौन से फ्री और ओपन ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक बेहतर इंडिया, एक जो हम ग्रामीण इंडिया या रूरल इंडिया की हम बात करते हैं, वहां हम किस प्रकार चेंजेस ला सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन विद दिस कोट दैट एजुकेशन इज नॉट अ वास टू बी फिल्ड बट इट इज अ फायर टू बी लिट। यस रिस्पेक्टेड ऑल, हमें एक आग, एक अग्नि
प्रज्वलित करनी होगी एज एन चेंज मेकर. हम टीचर्स हैं, वी ऑल आर द चेंज मेकर्स हियर. और हम वो चेंज, क्योंकि अभी कुछ वक्ताओं को मैं सुन रही थी तो सभी ने कहा कि स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एंड वी एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एज एन टीचर्स वी कैन ब्रिंग दिस चेंज. और वो चेंज जो है हमें इंडिया में लाना है. और अगर हम बात करें, इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल इंडिया. अब किस प्रकार वो रूरल इंडिया में की पॉपुलेशन है, उनके उनके परिवेश जो है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, वो सभी चीजों के हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करेंगे. ये एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है जिसको आप सभी जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 68% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल इंडिया. और हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो एक पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज 72.40. सो वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 72.40 मध्य प्रदेश में, और ओवरऑल इंडिया में 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि ग्रामीण परिवेश में है, जो कि रूरल इंडिया में अभी भी रह रही है, बट स्टिल उन तक एजुकेशन, एक अच्छी बेहतर एजुकेशन का पहुंच पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है. तो क्या हम कुछ प्रयास कर सकते हैं? सो हियर आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर व्हिच इज एजुकेशन इन इंडिया. जो भी चेंजेस आए हैं, बहुत सारे इन्यूमरेबल माइलस्टोन्स से हम पास हुए हैं, और हमने बात की कि वो प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन है इंडिया में, जहां पर सभी को इक्वल समान अधिकार, इक्वल एक्सेस की बात कर रहे हैं. तो हम किस प्रकार वो इक्वल एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत सारे फ्री और ओपन ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स हैं रिस्पेक्टेड ऑल, जिसको हम जिनका इस्तेमाल हम हायर एजुकेशन के सेटअप में उसको प्रमोट करके और NEP के यू नो एजेंडाज हैं उनको वहां इनकॉर्पोरेट करके वी कैन गो फॉर अ बेटर डिजिटल एजुकेशन स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया. The research paper focused on the need for the adoption of implementation of digital tools and platforms. अर्थात किस प्रकार हम digital tools, digital platforms का इस्तेमाल करके एक high speed internet facility अगर हमें rural India में available हो पाएगी तो हम उसका इस्तेमाल करके अफोर्डेबल एजुकेशन हम रूरल इंडिया तक प्रोवाइड कर सकते हैं. और जहां अभी डिजिटल डिवाइड की काफी लोगों ने बात की है, तो वो डिजिटल डिवाइड के जो एक चैलेंज है उसको हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, मैंने अभी इसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है. लेट मी टेक यू टू द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हमने अब बहुत सारे रिस्पेक्टेड यू नो रिसर्चर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि हमारे जो पुरानी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एंड ऑल, सो दे वर द यू नो फेमस सेंटर्स फॉर एजुकेशन इन द एंशिएंट टाइम्स, जहां विश्व के बहुत सारे लोग आया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, बहुत सारे यू नो डिफरेंट सब्जेक्ट्स से डील किया करते थे. सो वी हैड ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज देयर इन द जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें, देन मल्टीपल एंट्री एग्जिट स्कीम, बहुत सारी जो यू नो फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पुराने जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वहां भी चला करती थी. लेट मी टेक यू टू द जर्नी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिस जो सबसे पहले एक एंशिएंट वैदिक एजुकेशन हुआ करता था, जो कि गुरुकुल शिक्षा हम कहा करते थे जिसको, तो गुरुकुल में जाके एक शिक्षा प्रदान की जाती थी. उसके बाद हम कहें तो पोस्ट वैदिक पीरियड आया, जो कि 500 BC के आसपास था, जहां पे वर्णों वी वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, एंड अकॉर्डिंगली एजुकेशन सिस्टम दी जाने लगी. उसके बाद बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिज्म का एक इम्पैक्ट आया ऑन द एजुकेशन सिस्टम, और विहारास और मोनास्ट्रीज जो हैं वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी, एंड बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था. देन वी हैड इस्लामिक एजुकेशन, जो कि 7th to 14th century इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम मकतब्स, मदरसास की बात करते थे, जहां पे इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. देन हम बात करें कि उसके बाद जो एजुकेशन आई वो आई ब्रिटिश रूल, जो कि वुड्स डिस्पैच के थ्रू आई थी, एंड ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को उसका रुख मोड़ने में. ये एक बहुत अहम रोल इन्होंने अदा किया, जिसमें कि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने ऑलमोस्ट रुइन कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की गई थी विद दिस यू नो ब्रिटिश वुड्स डिस्पैच. देन
वी गॉट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की बात आप सभी को पता है, 1968 में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, देन वी हैड द नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन 1986, एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, सो वी हैड द कोठारी कमीशन जो 68, देन 86, देन 92, एंड फाइनली जो हमारी अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद ये एक नई हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, और वो नएपन के साथ मिली है, हमारी आज की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें मिली है. सो मेरी ऑब्जेक्टिव जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग. जी हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है. एक्चुअली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो काइंडली कंक्लूड. श्योर श्योर, मैम मैं बिल्कुल कंक्लूड करती हूँ. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑब्जेक्टिव्स जो है टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन रूरल इंडिया, टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग इन रूरल इंडिया, और कौन कौन से फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टू स्टडी की NEP के तहत जो इक्विटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं उसको हम किस प्रकार लागू कर सकते हैं. द डेटा विच आई कलेक्टेड इज फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज फ्रॉम सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, एंड सेकेंडरी सोर्सेज फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ विद इन द MP, बिकॉज MP इज वन ऑफ द स्टेट्स. ये हम एक पैरागोजिकल शिफ्ट देख रहे हैं जो कि पुरानी जो टीचिंग लर्निंग है उससे और हम ऑनलाइन की तरफ किस प्रकार आ गए हैं. ऑनलाइन जो लर्निंग है वो कुछ इस प्रकार की है. लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द फैक्टर्स जो कि रूरल इंडिया के मार्केट को गवर्न करते हैं. सबसे पहली अगर हम बात करें कि क्यों हमें रूरल इंडिया की तरफ जाना चाहिए, वो ये है कि मोस्ट मेजर अनटैप्ड यूथ पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया में है, एंड वी कैन नॉट डिनाई विद द फैक्ट कि वो लोग भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बट उनका इंटरनेट का यूसेज जो है दैट इज ऑन मे बी ऑन टिकटॉक, मे बी ऑन व्हाट्सएप, मे बी ऑन अदर थिंग्स विच इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव. तो हमें उनको वहां से हार्नेस करके we have to untap the youth population. Then rapid improvement jo aa raha hai India mein 4G se 5G technology, so we can tap that 5G technology. Then growth of smartphone penetration, then cost associated with the online teaching is very less as compared to agar aap ek sansthan pura ka pura sthapit karenge rural India mein तो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा होगी रादर देन हम अगर एक ऑनलाइन सेटअप अगर एस्टैब्लिश करें विच इज केटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल इंडिया, तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली लेस होगी. देन गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जैसे कि स्वयं प्रभा, ई बस्ता, डिजिटल इंडिया मिशन, तो ये सभी प्रमोट कर रहे हैं रूरल इंडिया की तरफ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ऑलरेडी वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है टू गो फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन या कुछ और अलग एजुकेशन ग्रहण करने के लिए. देन रीस्किलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत नया है इंडिया में, सो दैट इज देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई लर्निंग मार्केट. जो इशूज है इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो इशूज ये है कि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, IT सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, रूरल पॉपुलेशन है तो पॉवर्टी है वहां पर, लैंग्वेज एक हर्डल है, तो हिंदी का कंटेंट या रीजनल लैंग्वेज जो है जो NEP में भी बात की गई है वो कंटेंट देना बहुत जरूरी है. देन डर्थ ऑफ क्वालिफाइड एजुकेटर, अच्छे एजुकेटर्स की बहुत डर्थ है, प्रॉब्लम है. हमें अगर किसी रूरल एरिया में भेजा जाए तो हम उतना फीजिबल नहीं होता, बट अगर ऑनलाइन मोड से अगर आप पढ़ाएंगे सो वी कैन गेट वेरी गुड टीचर्स इवन फॉर द रूरल एरिया. और एक मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी है इंडिया जहाँ पे महिलाओं को एक उनको उतना उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो दिस ऑनलाइन एजुकेशन कैन ऑल्सो फील दैट फैक्टर. एंड एक महिला अगर पढ़ेगी तो पूरा पूरा घर उसका पूरा घर पढ़ेगा, उसका गांव पढ़ेगा, और सिमिलरली देश का विकास डेफिनेटली पॉसिबल है. ये कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे कि क्रिएटिव एंगेजमेंट टूल्स. ये सभी टूल्स जो हैं ऑलमोस्ट फ्री हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. For the presentation, we can use all these tools. For the assessment of the students, we can use all these tools. For video recording and editing, we can have these tools. For video conferencing, we can use these tools. कुछ Google apps for education है जो कि बहुत अहम रोल अदा करेंगे जो कि रूरल एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. फाइनली आई विल गो टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. सबसे पहली बात है वो स्केलेबल है, बहुत ही सारे मतलब 1, 10, 100 नहीं हजारों लाखों लोगों को आप एक बार में शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं. देन अफोर्डेबल है, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कन्वीनियंट और कन्वीनियंस है. देन बेटर रिटेंशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है,
बच्चा जो है अपने सेल्फ पेस पर पढ़ सकता है अपनी सुविधा अनुसार, देन क्रिएटिव कंटेंट आप दे सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो ग्रीनर ऑप्शन होता है एंड बेटर एक्सेसिबिलिटी जो कि हम 5G के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। देन फ्यूचर फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी पिछले कुछ सेशंस में भी बताया गया कि ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आएगा, यस फ्लिप्ड क्लासरूम एंड ब्लेंडेड लर्निंग वुड बी देयर, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग हम आपस में कोलैबोरेट करके एंड वी कैन सेट अप स्ट्रक्चर वेर इन वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू इवन टू द रूरल एरियाज, मल्टीमीडिया का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का स्कोप विल बी देयर, देन AAA दैट इज एनीवन एनीवेयर एनी टाइम कैन लर्न, देन MOOCs एंड मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत हाईली अप्रिशिएट किया जाने वाला है, एंड द लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड टू कंक्लूड आई मस्ट से दैट लुकिंग एट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन क्योंकि वो स्केलेबल है, अफोर्डेबल है, वेरी कन्वीनियंट, इंटरेस्टिंग एंड कोलाबरेटिव, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसकी हमने बात की, दिशा, स्वयं, देन ई बस्ता, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि हम एक बेटर फ्यूचर देख सकते हैं रूरल इंडिया का भी, एंड हम लोकल लेवल पर अपने एफर्ट्स करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर दिखेगा एंड इंडिया कैन बी अ ग्लोबल सुपर पावर एजुकेटेड इकोनॉमी। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स, ओवर टू यू मैम। Thank you so much, ma'am, for the wonderful presentation. And sorry, I had to interrupt you. But we are running short of time, so I had to. But wonderful presentation, ma'am. Thank you so much. Next, we have as presenter Dr. Sakshi Motwani and Dr. Paritosh Awasthi from Sri Vaishnav College of Commerce. The topic of their presentation is IT 2020 and use of technology in education. Dr. Sakshi Motwani. Meenakshi, ma'am, kindly stop your presentation, please. Yes, Sakshi ma'am, your presentation is visible. You can start. And please kindly adhere to time. Kindly finish it within 5 minutes. Sakshi ma'am, am I audible to you? Sakshi madam. I think Sakshi ma'am is not there in the meeting. Her presentation is there, but she's not there. Dr. Savita Gupta is there with us? She's here. Okay, Priyanka ma'am, kindly inform her to start the presentation, please. Yes, ma'am. Actually, she's there. Maybe ma'am, for technical issue, she's not able to speak something. Actually, she's speaking, but we are not listening, ma'am, actually. You can join from your phone or something like that. Sakshi ma'am, please wait for a while. And stop presenting your screen. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र शिक्षा की ओर पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से तेजी से गुजर रहा है। रोजगार और वैश्विक परिदृश्य में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया था कि जो हम सिखा रहे हैं विद्यार्थी उसे सीखें और लगातार सीखते रहें। इसीलिए विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर जरूरत थी कि बच्चे समस्या समाधान तार्किक एवं रचनात्मक रूप से किसी भी चीज को सीखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त एक आदर्श सोच और ऊर्जावान आउटपुट तैयार करना था और भारतीय स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देखते हुए कुछ नया सोच पाए और नई जानकारी
नई परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। जरूरत है शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली हो और अवश्य रुचिपूर्ण हो। शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे, इसीलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषा साहित्य, संस्कृति और मूल्य का समावेश किया गया है। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों, नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करना और साथ ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के संयोजन को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं उनके अनुरूप डालने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, शिक्षा में लचीलापन लाना, बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना, शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना, मूल्यांकन पर जोर देना, ओपन शिक्षा प्रणाली में इन्वेस्ट करना, विद्यार्थियों की सोच को क्रिएटिव बनाना, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन विकसित करना, शोध पर अधिक ध्यान देना, एक साथ कई भाषाओं पर फोकस करना, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल विकास करना। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। नई शिक्षा नीति से संबंधित नवाचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें सामान्य शिक्षा को कौशल संवर्धन के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण गुणवत्तापूर्ण एवं समग्रतापूर्ण बनाए जाने की दृष्टि से कई प्रावधान किए गए हैं। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। अकादमिक लचीलापन के लिए विद्यार्थी अपने विषय के साथ साथ अन्य संकाय के विषयों के चयन का भी लाभ ले सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हुए रोजगार का स्तर बढ़ेगा एवं रोजगार की सुविधा बढ़ेगी तथा आत्मनिर्भरता आएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व के विकास की संपूर्ण संभावनाओं को साकार कर सकेंगे। रोजगार की दृष्टि से सक्षम एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेंगे, यही इस नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से हम पहले भी और अन्य वक्ताओं से सुन चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने दृष्टिकोण में प्रभावशाली प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक चुनौती इसके क्रियान्वयन में है। शिक्षा संबंधी प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण कुछ राज्य जो इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वाभाविक है। सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा के चार चरणों में से प्रत्येक चरण में संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करना और पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच सुनिश्चित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है सारी सुविधाएं जो शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है, जिससे Please finish it fast. कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक एवं समग्र विकास पर आधारित है, लेकिन इसे असली साकार करना एक चुनौती है। इस नीति को अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो इसको पूरा करने के लिए सभी संबंधितों को एक साथ शामिल होने की आवश्यकता है। नई स्कूली शिक्षा का परिणाम बिल्कुल अलग और स्वतंत्र सोच वाले युवा होंगे जो नए आकांक्षी भारत के राजदूत होंगे। इस नीति में एक रोचक महत्वपूर्ण
विचार सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों को निराकरण करते हुए हम इसका क्रियान्वयन करें तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। विश्व के अन्य देशों में जहां पर इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू की गई हो, हम उनका अध्ययन करें और वहां आने वाली कठिनाइयों के अनुसार निराकरण करने का प्रयास करें और उन सुझावों को जो भी शिक्षाविदों के द्वारा इस प्रकार के विचार विमर्श में सुझाव दिए जा रहे हैं उन सुझावों को लागू करें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल होगी। धन्यवाद मैडम, मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव एज अवर प्रेजेंटर डॉक्टर साक्षी मोटवानी एंड डॉक्टर पारितोष अवस्थी फ्रॉम श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स। टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज एनईबी 2020 एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। Good afternoon, everyone. I'm Dr. Sakshi Motwani, Assistant Professor of Sri Vaishnav College of Commerce, with and on behalf of Dr. Paritosh Awasthi, Principal of Sri Vaishnav College of Commerce, going to present my paper. Before starting my paper, I would like to thanks to the organizing team and special thanks to the Sapna ma'am for giving this opportunity. And now I'm moving to my title, that is NEP 2020 and Use of Technology in Education. I'm starting my presentation with the quotation of Mr. David. We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand because it is the pen and paper of our time and it is the lens through which we experience much of our world. As we all know that new education policy sanctioned by the Union Cabinet on 29th of July 2020 in India. The NEP is a policy formulated by the Government of India to promote education amongst the India's people. The policy covers the elementary education to college in both rural and urban area. This policy is basically divided into four parts, that is school education, higher education, other key areas of focus is making it happens. And the third part, which is focused that is other key areas of focus, explain about technology use and integration. The implementation of vision of NEP 2020 on technology use and integration in the education system can help transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. New technology involves the artificial intelligence, machine learning, blockchains, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational softwares. Appropriate agencies such as NETF, that means National Education Technology Forum, CIET, that is Central Institution of Educational Technology, IIT, NITs, etc., will be identified to conduct a series of pilot studies in parallel to evaluate the benefits of this policy. Extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access to Divyang students, and streamlining education planning and management are also being emphasized in NEP 2020. Based on these previous policies, several ICT initiatives like Diksha, Swayam, Swayam Prabha, etc. were all initiated to improve access to education resources by everyone in the country. However, the benefits of technology cannot be leveraged unless the digital divide is eliminated through concentrated efforts like training teachers and developing them to be effective online educators, developing open and public digital infrastructure in the education system. Here are the some implementation plans are given. In that, conduct research on disruptive technology and current status of ICT implementation in higher education and teachers' education institution and development of key content strategies, training modules on content ICT pedagogy integration as per the new pedagogical and curricular structure recommended in NEP 2020, continuous customization of architecture of digital education platform at national level, including portals, apps, labs,
as per the arising educational needs. Spreading details about digital contents through multiple modes and many modes. And now I'm concluding that in a country like India, which is characterized by diversity and concentrate in terms of availability of resources, switching ever to digital modes of education is a big task, as well as full of challenges. Through NEP 2020 is incorporated with various positive aspects of development and growth in the area of quality education, but implementation at large scale is a great challenge. And develop devoted mentality, large investment on infrastructure, practical approach, and refill the vacant seats of teachers can play a vital role to achieve the object of this policy. With these words, I'm ending my presentation. Thank you again, organizing team. Thank you, everyone. Thank you, Sakshi ma'am, for the wonderful presentation. Next, we have Dr. Priyanka Jain, again from Vaishno College of Commerce. Topic of her presentation is analytical study on new education policy. Dr. Priyanka Jain. Ji, namaste ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible, ma'am. Are you sharing the presentation simply? No, ma'am, no. No, I'm simply just speaking, ma'am. Finish it within time. वेबिनार में पधारे समस्त शिक्षाविदों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने वेबिनार का प्रेजेंटेशन विवेकानंद जी के कोटेशन के साथ शुरू करूंगी। वी वॉन्ट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपांडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन ओन। दैट वॉज द फेमस quotations by the Vivekananda ji. Now I will start my presentations with the new education policy introductions. The new education policy 2020 of India aims to transform the nations by improving its previous education policy. The new education policy seeks to inculcate 21st century skills in the children and make the country's education more inclusive and flexible. It recognized that teachers play a crucial role in the achieving these goals and emphasized the need to improve the quality and effective education in India. In my analysis, in my research, I have also included a little role of teachers also. In the new education policy seeks to inculcate 21st century skills in children and make the country's education more flexible. It recognized that the teachers really play a crucial role just to improve the quality of education in India. New education policy 2023 also, that is some little part that the new education policy has replaced the old education policy of India. New education policy is based on four main pillars called access, equity, quality, and accountability. There will be a 5+3+3+4 structure which comprises 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi preschooling also. In all this research, we are going to provide your detailed information about the new education policy 2023, including its benefit features and further objectives of this policy. In the benefit of new education policy, I have included some basic things, that is early childhood care will be given to the students. Students will get help in having the wide foundations for learning at a young age. To help the early childhood cares and the education of children, a proper framework will be prepared by the concerned authorities. This new education policy will improve the read, write, and understand ability of the students. Students will get foundation literacy and numeracy also. In very basic thing, that is the schools will have well-trained school social worker and counselor in the campus for the children to nutrition their health, including and mental health also. Learning will provide to the students of a joyful manner, which will be help them understood the concept more clearly. Student will get experimental based learning at all stage of the schools also. Here, if I already told you in my research, I have included little parts of teachers also. So here the teachers will also benefited by the new education policy, in that the holistic academic development in the new education system will be beneficial for the teachers as well. Through challenging, teachers will have an opportunity to teach in their mother tongues also. Teachers can help address the digital divide in the modern era also. The relationships of teachers with other sections of the education system, especially students, will improve. The new education policy system is trustworthy of the government's holds accountability for the same. In the scope of new education policy, it is aims to establish an undergraduate educational approach where the social science will be integrated with the widely popular
all these teams like science, technology, engineering, and mathematics course. This practice has the potential help progress in the research as the antics social scientific rigors to be amalgamated by the canvas proposed by the social science. Here I have included some basic that is the aim and the objective of new education policy 2020. Okay. In conclusion, we can say the National Education Policy is a comprehensive set of guidelines and recommendations for the Indian education system. It aims to make education more inclusive, relevant, and engaging for all the students for the foster problem-solving skills. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thanks to all the members of this webinar also, and thanks to ma'am also. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, and the last one is Professor Anshu Mishra from Vaishno College of Commerce. Impact of new education policy on higher education. The title of the Anji, madam, I'm yes, Professor Anshu Mishra. Can I start? You can start, madam. Judges, okay. Please note that this is our last presentation. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. The topic of my research paper is impact of National Education Policy 2020 on higher education. This research paper examines the implications of National Education Policy 2020 on higher education. The NEP introduced in November 2020 aimed to transfer the educational landscape in India. This re-investigates its effects on various aspects of higher education, analyzing the policy's potential to enhance quality, accessibility, and relevance. The National Education Policy 2020 brought significant changes to higher education in India. The policy aimed to transform the education system. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice is not clear. National Education Policy 2020 brought significant changes to higher education in India. The policy aimed to transform the education system by introducing a multidisciplinary approach, flexible curriculum, and promoting research. This research paper explores the impact of NEP 2020 on higher education. By analyzing data and opinions, the research paper sheds light on both positive and negative outcomes of the policy, contributing to a comprehensive understanding of its effects. The findings reveal that while NEP 2020 has Ma'am, most probably there is a network issue at your end. Kindly, we consider it as finished up. Ma'am, objectives of my research papers are to assess the impact of National Education Policy 2020 on higher education. I'm so sorry. Aapka voice bahut hi zyada interrupted aa raha hai. मैम क्या हम इसको फिनिश अप माने अभी हम लोग एक्चुअली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू प्रॉपरली सो सॉरी फॉर दैट बट मैम आप आवाज आ रही है आपको हाँ मैम कंक्लूड कर दीजिए आप 2 मिनट्स में प्लीज अब ओके ओके ओनली आई हाँ मैम सिर्फ कंक्लूजन बता चल ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन मैम प्लीज Objectives of my research papers are
to assess the impact of National Education Policy 2020 on the higher education system, to evaluate the effectiveness of the policy in enhancing the quality of education, to analyze the extent to which the NEP promotes interdisciplinary studies, to explore the potential consequences of the policy on student accessibility and inclusivity. Now, the conclusion of my research paper. The National Education Policy 2020 represents a significant step towards revitalizing higher education in India. While early indications are promising, substantive efforts are required to overcome challenges and fully realize the policy's transformative potential. Thank you so much, ma'am, for giving me such a support. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So with this, हमारा प्रेजेंटेशन का शेड्यूल खत्म होता है, टेक्निकल सेशन एंड अप होता है. आई रिक्वेस्ट अवर टेक्निकल सेशन जजेस डॉक्टर केन झा सर एंड डॉक्टर एस एस टेगोर सर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल सेशन. डॉक्टर केन झा सर फर्स्ट. सर एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Words about the technical session and the presentations. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sir, 2 minutes. सभी प्रतिभागियों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो जजमेंट है वो ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा. दोनों जजेस के जो जजमेंट आएंगे उसको हम कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देंगे. यस सर, प्लीज स्टार्ट. डॉक्टर के जी, सब लोगों का प्रेजेंटेशन काफी इफेक्टिव रहा, काफी अच्छा रहा और कंटेंट कवरेज भी बहुत अच्छा रहा. और वास्तव में एक वेबिनार का जो पर्पस है वो ये कि एक किसी भी चुने हुए थीम के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव पर विमर्श करना, तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये काफी अच्छा रहा. सभी पार्टिसिपेंट्स ने काफी अच्छे पेपर तैयार किए, काफी मेहनत की है और उनके पावर पॉइंट से काफी कंटेंट्स को बहुत ही ब्रीफ में वो लोग अपने सफल रहे प्रस्तुत करने में. और एक अच्छा प्रयास आपके सफल रहा ये वेबिनार, और मैं तो बधाई दूंगा सभी लोगों को. वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतने इसके डायमेंशंस हैं कि इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कर पाएंगे. और साथ में हमें अपनी भूमिका भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि चुनौतियाँ तो रहेंगी, बगैर चुनौतियों के तो कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है. तो हमारे लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे फैकल्टी मेंबर्स की है. जो भी चुनौतियां हैं उन्हें ही फेस करनी है. और हम बहुत ज्यादा पॉलिसी इंटरवेंशन की बात ना करें, हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की डिमांड नहीं करें, क्योंकि ये गैप, ये डिफिशियंसी तो आगे भी बनी रहने वाली है. अलबत्ता समाज हमारे प्रति बहुत एक आशा भरे उससे देख रहा है कि हम इस चेंज को अपने स्तर पर कैसे प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं. आप सबकी भूमिका, हम सबकी भूमिका इसमें बहुत रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है. मैं आप सब लोगों को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की दिशा में हमारी निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक प्रगति होगी, और जहां है जैसे हैं उससे हम डेफिनेटली कुछ बेहतर साबित होंगे. आप लोगों ने मुझे शानदार कार्यक्रम में सम्मिलित करके ये अवसर दिया है हिस्सा बनने का, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. धन्यवाद. आज शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर ने बहुत ही शानदार वेबिनार का आयोजन किया, बहुत सारे प्रतिभागी इसमें शामिल भी हुए हैं, और साथ में जो शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, और कुछ प्रतिभागी जो जिन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया उनका जो टॉपिक है, उनका जो शीर्षक था, विषय वस्तु थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत ज्यादा मेहनत की. इनमें से
कुछ लोगों को हम जैसे कौन किसने अच्छा दिया कौन सा क्या रहा वो हम बात की बात है, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और बहुत सारे प्रतिभागी इसमें जुड़े। हम बहुत ऐसा होता है कि पूरा टाइम 2 से 3 घंटे नहीं दे पाते, लेकिन आज जब से प्रोग्राम चालू हुआ तब से लेकर अब तक लगातार जुड़े हैं सभी वक्ताओं को और सभी शोध पत्र शुरू करने वालों को हमने सुना। आप सरदारपुर की टीम को, कास्तीवाल मैडम को, मुजालदा सर को और अलावा सर को और पूरी महाविद्यालय की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी शोध पत्र प्रस्तुत करने वालों को भी उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप भविष्य में भी इसी तरह से सहभागिता करते रहेंगे और अपनी ऊंचाई को प्राप्त करते रहेंगे। आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर अवसर दिया, आप इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। यार थैंकफुल टू यू सर कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आभार प्रदर्शन से पूर्व हम चाहते हैं कि जितने भी प्रतिभागी अभी इस वक्त गूगल मीट में जुड़े हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए अपना कैमरा ऑन कर ले सो दैट वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं डॉक्टर डी एस मुजालदा सहायक प्राध्यापक वाणिज्य और इस कार्यक्रम के संयोजक से निवेदन करूंगी कि वे हमारे प्रतिभागियों, हमारे अतिथियों, हमारे गेस्ट सभी का आभार प्रदर्शन करें। बट उसके पहले हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो काइंडली ओपन योर कैमरास फॉर अ वाइल। All are requested to open your open up their cameras, please. Thank you so much. Now I request Dr. D.S. Mujalda, sir. नमस्कार मैडम और सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी सर आ रही है, यू आर वेरी मच ऑडिबल। श्री राजन सूरी शासकीय महाविद्यालय सरदारपुर राजगढ़ में आज उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रतिभागी जो शुरू से लास्ट तक जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए आज का जो मुझे दायित्व दिया गया है उसको निर्वहन कर रहा हूँ। साथ ही मैं सबसे पहले इंदौर संभाग के अतिरिक्त संचालिका महोदया डॉक्टर किरण बाला सलूजा मैम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी समय निकाल कर इस महाविद्यालय को प्रेरणा स्रोत शब्द उद्बोधन दिया। और साथ ही मैं उन लोगों उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे हमें भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगी और हमारा उत्साहवर्धन करती रहेगी। साथ ही हमारे महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय आदरणीय धर्मेंद्र जी मंडोई का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वे पैसे से एडवोकेट हैं और हमेशा वे कोर्ट में बहुत व्यस्त रहते हैं। उसके बाद भी हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उपस्थित रहकर उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और उन्होंने हमें धन्यवाद ज्ञापित किया कि आप भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें जिससे महाविद्यालय को और आसपास के क्षेत्रों को उसका लाभान्वित होगा। साथ ही मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एल एस अलावा सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वे कभी भी किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम के लिए बोलते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं और हमेशा वो सहयोग प्रदान करते हैं और हमें हमेशा प्रेरणा स्रोत बने हुए रहते हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करने के लिए पूरी तरह से छूट देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही आज इस वेबिनार के जो मुख्य वक्ता दोनों डॉक्टर पार्थ रश्मिकांत भट्ट अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
सर का जो उद्बोधन रहा वो वास्तव में बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही सिंपल भाषा में रहा, जिससे मैं कह सकता हूं कि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी और गुजरात के होते हुए भी उन्होंने अपनी जो बातें रखी है वो हिंदी में रखी है और उन्होंने जितनी जो बातें बताई है वास्तव में हमारे सभी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक रही है। साथ ही दूसरे स्पीकर के रूप में प्रोफेसर विकास शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के थे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित हो उसमें हमें सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही आज के जो वेबिनार में जितने भी जो सहभागी बढ़ चढ़कर उन्होंने सहभागिता की है उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही उन लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी अगर इस प्रकार के हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हो और उनमें आप सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही उनके जो प्रेजेंटेशन थे उन लोगों के भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन बहुत अच्छे और बहुत उच्च क्वालिटी के थे। जो प्रेजेंटेशन पेपर के निर्णायक मंडल में जो मेंबर हैं डॉक्टर के एन झा सर, पूर्व प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अशोकनगर एवं साथ ही डॉक्टर एस एस टेगोर सर सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय धर्मपुरी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट में वे पूरे टाइम तक इस वेबिनार में जुड़े रहे और उन्होंने जो हम इस व्यस्ततम समय में अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया उनको भी मैं पुनः आभार। साथ ही इस महाविद्यालय की जो टीम है उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, महाविद्यालय के आयोजन टीम और उनके जितने भी जो मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमेशा आप हमारे इस कार्यक्रम वगैरह में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही महाविद्यालय का समस्त स्टाफ को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने वेबिनार के आयोजन में सहयोग प्रदान किया, हमें उत्साह प्रदान किया। साथ ही पुनः आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी होने वाले कार्यक्रमों में आप हमेशा ही सहयोग प्रदान करेंगे और हमें उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही जितने भी जो सहभागी एवं जिनके पेपर प्रेजेंटेशन हुए हैं उन लोगों का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे भविष्य में भी इस प्रकार के सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ ही हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर आर के जैन सर, प्रोफेसर सरिता जैन मैम, डॉक्टर ममता दास, डॉक्टर रंजना पाटीदार, डॉक्टर राकेश सिंधे एवं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को और साथ ही प्रोफेसर सुरेन रावत सर का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और सभी प्रतिभागियों का मैं पुनः बहुत बहुत आभार और आशा करता हूं कि भविष्य में हमें इसी प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे और आप हमें छोटे से रिक्वेस्ट में आप लोगों ने जितना जो सहयोग दिया है उसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को, सहभागियों को और जिनका नाम लेना छूट गया है उन लोगों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे आनंद है, पलक, देव, करीना, हेमेंद्रा, उर्मिला, पायल, ऋषिता, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए और ये बच्चे ऐसे हैं जो हमें हमेशा सहयोग देते हैं, तो आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम, टू द एंटायर पार्टिसिपेंट्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े और वेबिनार को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अब लीव कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रोफेसर सरिता जैन मैडम, उनके कंटिन्यूस सहयोग की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मैम। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, एवरीवन कैन लीव द मीटिंग प्लीज। थैंक यू सो मच।